दिस आई पी आर दैट इज वी कैन से कॉपी राइट विच इज रेलिवेंट टू ऑल ऑफ अस बींग ए अकेडमिक पर्सन क्योंकि वी विल डील विद दिस दिस रिसर्च पेपर ऑल्सो बुक्स ऑल्सो और नॉवल्स ऑल्सो सो हाउ कॉपी राइट इज एग्जिस्टिंग इन ऑल दीज थिंग्स जैसे पहले भी मैंने कुछ सब्जेक्ट मैटर कॉपी राइट के बताए थे तो उसमें हम डील करते तो हम बात कर रहे हैं कॉपी राइट की तो दिस सिंबल इज देयर ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी दिखाई दे रहा होगा आपको सिंबल यस सर दिखाई दे रहा है तो ये हम हर बुक में देखते हैं अपनी बुक्स जितनी भी है हमारे पास या फिर हमारा क्या कहेंगे कोई नॉवल है कोई भी लिटरेरी वर्क है तो उन चीज़ों पे हम देखते हैं इवन म्यूजिक जो सीडीज हैं या फिर वीडियो कैसेट्स थी हमारी या फिर आप कोई पोयम है सो मेनी टाइम्स ऑन पिक्चर आल्सो वी विल सी दिस वर्ड सी इन द सर्कल दैट ऑटोमेटिकली सेज कि दिस वर्क इज कॉपीराइट और सबसे इम्पोर्टेंट मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि द रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट इज नॉट कंपल्सरी देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि इफ़ यू हैव क्रिएटेड एनी दिस मटेरियल रिलेटिंग टू कॉपीराइट मान लो कोई आपने पोएम लिख दी है तो इट इज ऑटोमेटिकली कॉपीराइटेड आपको कॉपीराइट ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है अगर इफ़ यू कैन जस्टिफाई इफ यू कैन से कि दिस वर्क इज क्रिएटेड इफ यू गिव एविडेंस तो कॉपीराइट का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है आप सी डायरेक्ट भी लिख सकते हो उसके ऊपर लेकिन अगर इन केस ऑफ कंट्रोवर्सी अगर वहां पे कोई दिक्कत आई तो इट इज एडवाइजेबल कि यू शुड गो फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट ठीक है तो आप ऑफिस में जाके उसका कॉपीराइट लो लेकिन अगर आपने कोई पेंटिंग बना दिया है कोई पोएम लिख दिया है या कोई भी आपने कोई बुक लिख दिया है कॉपीराइट वैसे कंपलसरी नहीं है जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ हमारी डे टू डे लाइफ में कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू क्रिएटेड ए विल आपने वसीयत बना दी अपनी तो क्या उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है ये तो हमारे सबके लिए कॉमन बात है जनरल एक पूछ रहा हूँ क्वेश्चन आप लोगों से अगर आपने कोई कच्ची कॉपी में आपने कोई रजिस्टर में आपने वसीयत बना दी है आपने लिख दिया कि आफ्टर माय डेथ जब भी 50 साल बाद 30 साल बाद कि मेरे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी एक्स को चली जाए वेदर रजिस्ट्रेशन ऑफ दैट शुड बी मैंडेटरी और नॉट मैंडेटरी है सर वसीयत सर ओके विजय सर ने मैंडेटरी कहा है अगर कहीं नहीं बनाते सर कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते इन दैट केस व्हाट विल हैपन विजय सर अगर कुछ हाँ कुछ ऐसा रिकॉर्ड गवर्नमेंट के लेखे जोखे में हो उनके रिकॉर्ड में हो कि आपने ये बचत कर रखी है एक प्रूफ के तौर पर ओके बट एज पर लॉ एज पर रजिस्ट्रेशन एक्ट जो हमारा है इंडिया का दिस रजिस्ट्रेशन ऑफ विल इज ऑप्शनल कोई जरूरी नहीं है सर कि आप उसको मैंडेटरी उसमें कंपलसरी उसमें जाके आप करवाओ देर आर टू सेक्शंस जहां पे बता रखा है कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन सेकंड है सेकंड वन इज ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन तो यहां पे भी हम कॉपीराइट के बारे में कह सकते हैं कि ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन जैसे आप सेल डीड करते हो सर अपनी प्रॉपर्टी बेचते हो तो वहां पे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इज देयर कि आपको रजिस्ट्री फीस भरनी पड़ेगी तो रजिस्ट्रेशन का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ये भी है कि आप रजिस्ट्रेशन करवाना इसका कोई जरूरी नहीं अभी सर हम और बात करते हैं इसी के बारे में शुरू में ही मैंने एक आपको सब सारी चीज़ें बताई थी कि डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस आईपी तो वहाँ पे मैंने सर सेवन आपको पॉइंट्स बताए थे पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क जीआई और आपका डिजाइन सेमीकंडक्टर और प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एक्ट सर ट्रेडमार्क और कॉपीराइट आर नॉट कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड देयर ट्रेडमार्क में आपका कोई जरूरी नहीं है सर और कॉपीराइट में पेटेंट और डिजाइन में आपका रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है सर आपका जीआई में भी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है ये तो कोई भी आपका यूज कर सकता है लेकिन ये ऑटोमेटिकली जनरेटेड रजिस्ट्रेशन है कॉपीराइट और ट्रेडमार्क का सर आप टीएम लिख दो आप उसके ऊपर लेकिन आर भी आपने देखा होगा कई जगह आर लिखा होता है कई जगह टीएम लिखा होता है कोई भी आपका नेम होता है तो जब सर पेंडिंग होता है आपने कभी अप्लाई किया हो जैसे मैंने अपनी बाइक के लिए कई साल पहले अप्लाई किया था रजिस्ट्रेशन के लिए आरसी के लिए तो जब तक नहीं मिलती हम लिख देते हैं ए ओब्लिग एफ कभी आपने सुना हो 15-20 साल पहले अप्लाइड फॉर लिख देते थे और हम फिर भी बाइक रोड पे ले जाते थे कि हमने अप्लाई कर रखा है हमें कोई भी एक पेपर डॉक्यूमेंट प्रूफ के लिए हमारे पास होता है कि हमने अप्लाई कर लिया तो सिमिलरली जब हमारे पास अप्लाई कर रखा हमने ट्रेडमार्क के लिए तो
तो हम लिख देंगे टीएम। जब हमें मिल जाएगा, जिस रजिस्ट्रेशन हो जाएगा ट्रेडमार्क का, तो फिर उसके ऊपर आर सर्कल में लिख देते हैं। आपने देखा होगा रजिस्ट्रेशन हो चुका है उसका। तो सिमिलर थिंग इज ऑल्सो देयर इन दिस दिस कॉपीराइट। तो यहाँ पे आपने देखा होगा सो मेनी बुक्स, ये सारी की सारी चीजें हम देखते हैं अपनी बुक्स में, सीडी में, या कोई भी आप मूवी देखते हो, स्टार्टिंग में आ जाता है कि कॉपीराइट लिखा होता है, या तो ऑथर का होता है या फिर पब्लिशर का होता है। सो सिंपल सा इसमें लिखा होता है, नो पार्ट ऑफ दिस पब्लिकेशन में बी रिप्रोड्यूस डिस्ट्रीब्यूटेड और ट्रांसमिटेड इन एनी फॉर्म और बाय एनी मीन्स इंक्लूडिंग फोटोकॉपिंग, रिकॉर्डिंग, अदर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल मेथड्स विदाउट अ प्रायर रिटन परमिशन ऑफ द पब्लिशर एक्सेप्ट इन केस ऑफ दिस प्रिव्यू। तो यहाँ पे क्या आ गया सर, यू आर नॉट अलाउड टू गो फॉर फोटोकॉपिंग और रिकॉर्डिंग और इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल मेथड, किसी भी चीज से आप वो नहीं कर सकते। सो व्हाट इट मींस, हम तो कितनी सारी फोटोकॉपी करवाते हैं, तो डे टू डे में हमारा तो काम बिना फोटोकॉपी के चलता ही नहीं। वेर एवर आई विजिटेड सर, चाहे बेंगलोर में गया हूँ, चाहे हैदराबाद गया हूँ, पुणे गया हूँ, जिस लाइब्रेरी मुझे आईपीआर की बुक मिली है सर, आई वेंट फॉर दैट फोटोकॉपी। आई हैव मोर देन 70-80 बुक्स फोटोकॉपी, या जहाँ जिस एमडीयू में मुझे जहाँ भी मिली है, एचएयू में जहाँ मिली है, मैंने पूरे पूरे इंसाइक्लोपीडिया आईपीआर के मैंने फोटोकॉपी करवा रखे हैं सर। एचएयू में भी गया था मैं स्टार्टिंग, जब पीएचडी कर रहा था। सो यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं, नो पार्ट ऑफ दिस बुक कैन बी रिप्रोड्यूस बाय एनी मेथड वेदर बाय फोटोकॉपी। सो आप एमडीयू की लाइब्रेरी में चले जाओ, सेंट्रल लाइब्रेरी में, तो कोने में एक फोटोकॉपी की मशीन रखी, उसने मतलब तीन चार रखी और 24 मतलब 12 घंटे फोटोकॉपी चलती रहती है। कितने स्टूडेंट, कितने टीचर, कितनी बुक्स डेली फोटोकॉपी होती है सर, वी कांट इमेजिन। और पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में, और कितने बिलियंस फोटोकॉपी पर डे होती है। सो हाउ इट कैन बी अलाउड, कि कैसे अलाउ हो जाता है? वैसे तो यहाँ पे मना कर रखा है, यू कांट से फॉर दैट। सो बीइंग एन एकेडमिशियन टुडे वी विल डिस्कस ऑल दीज एस्पेक्ट्स ऑफ कॉपीराइट, कि वैसे तो कॉपीराइट मना कर रहा है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग फॉर दैट। सिंपल पहले मैं एक डेफिनेशन इसकी मैं बता रहा हूँ, ये जो स्टार्टिंग में मैंने बताई थी, इट इज एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड टू द ऑथर बाय द स्टेट। आपको एक लाइन की मैं डेफिनेशन में जनरल बता रहा हूँ, इट इज एन एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड टू द ऑथर। ऑथर मैंने मॉर्निंग में बताए थे कि कोई भी है, वेदर इट इज ए फिल्म प्रोड्यूसर, इट इज ए राइटर, इट इज ए कोई ड्रामा कर रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई म्यूजिक डायरेक्टर है, कोई पेंटिंग बना रहा है, एवरी वन इज कवर्ड अंडर द टर्म ऑथर। तो सिंपल हम कह सकते हैं कि दिस वर्ड इज गिवन, चेक हो जाता ऑथर। सो सारे के सारे आप लिटरेरी वर्क की बात करोगे तो ऑथर हो जाएगा। ये नहीं कि सिर्फ लिखने वाला ही ऑथर होगा, चाहे कोई ड्रामा कर रहा है, कोई टीचिंग कर रहा है, कोई म्यूजिक डायरेक्टर है, कोई आर्टिस्ट है, एमएफ हुसैन है, कोई प्रोड्यूसर ऑफ सिनेमा, कोई मूवीज का है, कोई भी जेपी दत्ता है, कोई भी आप यश चोपड़ा मान लो, एवरी वन इज कवर्ड अंडर दिस टर्म ऑथर। सो एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड टू द ऑथर बाय द स्टेट। स्टेट क्या होगी यहाँ पे, पॉलिटिकल साइंस में कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ए स्टेट। सो यहाँ पे क्या हो गया, दीज आर द सब्जेक्ट मैटर जहाँ हम बात करेंगे। ये सब्जेक्ट मैटर कौन से हो गए, लिटरेरी वर्क हो गया। लिटरेरी वर्क में मैंने पहले भी आपको बताया कि कोई भी आप पोएम लिखते हो, स्टोरी लिखते हो, आप कोई मूवी की स्क्रिप्ट लिखते हो, कोई भी लिटरेरी वर्क करते हो, दैट इज ऑल्सो कवर्ड अंडर द दिस, जो इंक से आप लिख रहे हो, या आप आजकल लैपटॉप आ गया तो आप लैपटॉप के ऊपर आप कोई राइटिंग वर्क कर रहे हो, दैट इज कवर्ड अंडर द लिटरेरी वर्क। सेकेंड आ गया आपका पेंटिंग, कोई भी आप पेंटिंग बना रहे हो, कोई भी आप डूडल भी बना रहे हो, कोई आप जैसे आपने ऐसे कुछ भी बना दिया, आप नई तरह की कोई आपने डिजाइन बना दिया, दैट इज ऑल्सो कवर्ड अंडर दिस पेंटिंग, और दैट इज ऑल्सो कवर्ड अंडर द दिस कॉपीराइट। अभी मैंने बताया कि रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी नहीं है, सबसे बड़ी बात इसके बारे में बता दूं, तो आपने कोई भी डिजाइन इसमें बनाया है, दैट इज कवर्ड अंडर दिस कॉपीराइट। सो नेक्स्ट वन इज फोटोग्राफ, कोई भी आप फोटो खींचते हो, आप आपका जितने का भी बैच है, मान लो 20 का बैच है, आप जाके आप क्या कर देते हो, ताजमहल के साथ आप फोटो खींच रहे हो, फिर कोई और आदमी भी आके फोटो खींच रहा है, तीसरा आदमी ताजमहल के साथ आपके ग्रुप का फोटो खींच रहा है। सो एवरी फोटोग्राफ कैप्चर्ड विद द ताजमहल इज कम्स अंडर द कॉपीराइट। ठीक है सर, जितनी बार आप फोटो खींच रहे हो, सारे फोटोग्राफ्स आपके कवर किस में आ जाएंगे, कॉपीराइट में आ जाएंगे सर इसमें। सो इसमें अब नेक्स्ट क्या आ गया, ये जो ड्राइंग, कोई भी आप डूडल बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो सर, ड्राइंग और पेंटिंग में थोड़ा फर्क है, क्योंकि
कि ड्राइंग आप हाथ से जो भी कर रहे हो, पेंटिंग किसी चीज की वो बना रहे हो विद कलर्स या कुछ, सारा कॉम्बिनेशन वो करके उसमें आ जाएगा। सो फिल्म और म्यूजिक में भी, और एक देवानंद का केस था कि क्या एक्सप्रेशन उसके कवर होएंगे, जैसे देवानंद का कोई स्पेसिफिक चीज जो उसके एक्सप्रेशन से, देवानंद सिर हिलाता रहता था कुछ भी है, वेदर दैट इज कवर्ड अंडर द दिस ट्रेडमार्क और कॉपीराइट और नोट, या फिर अमिताभ बच्चन की वॉइस इज कवर्ड अंडर ट्रेडमार्क या कॉपीराइट और नोट। सो यस दे आर कवर्ड अंडर द ट्रेडमार्क, उनकी वॉइस उनके लिए एक गुडविल है। सो वी कांट यूज एक्सेप्ट जो ये जो कॉमेडी आर्टिस्ट करते हैं, अदरवाइज वो उसके लिए भी रिफ्यूज कर सकते हैं, बट दैट इज कवर्ड अंडर द एक्सेप्शंस। सो इसमें मैं बता रहा हूँ जो फिल्म्स हैं, आप फिल्म से पहले ये कॉपीराइट का सिंबल भी देख सकते हो। आप कितनी भी मूवीज हैं आप देख, आप बात करें तो सबकी स्टोरी सेम होती है सर। विजय सर मैं जनरल बात कर रहा हूँ आपसे कि आप जी इंडिया की 100 मूवीज देखोगे बॉलीवुड की, तो उसमें से 80% की स्टोरी एक जैसी होती है। लड़का लड़की होते हैं, लव अफेयर होता है उनका, और कोई विलेन आ जाता है और लास्ट में मारपिटाई होती है और फिर हीरोइन मिल जाती है। ठीक है सर, 80% पूछ के। सो वेदर दिस स्टोरी इज कवर्ड ऑन द कॉपीराइट और नॉट, वैसे तो देखा जाए तो एक नहीं है बना दी। अब रोमियो जी जूलियट का आपने इंग्लिश के भी कोई इसमें था एक पार्टिसिपेंट कि रोमियो जूलियट पे पता नहीं कितनी मूवीज बनी होगी, ऐसी हाँ जी लैला मजनू की बना दी या ऐसे ही देवदास बना दी या कुछ भी है। ठीक है सर, सबसे बड़ी बात यहाँ क्या है कि आइडिया कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड अंडर द कॉपीराइट, बट एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया इज प्रोटेक्टेड अंडर द कॉपीराइट, ये ध्यान रखना आपने। ठीक है सर, आइडिया इटसेल्फ इज नॉट प्रोटेक्टेबल। सेकंड इसमें इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया, रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी कॉपीराइट के बारे में सर। ठीक है, ऑटोमेटिकली इसका कॉपीराइट हो जाता है अगर आपने एक्सप्रेस फॉर्म में डाल दिया, कोई फिजिकल फॉर्म में आपने लिख दी कविता या स्टोरी बना दी, दैट इज कवर्ड अंडर दिस कॉपीराइट। सो इसमें और देख सकते हो, अब मूवीज का क्या है कि मोस्टली मूवीज में स्टोरी एक जैसी होती है लेकिन एक्सप्रेशंस डिफरेंट है उसके। ठीक है सर, तो म्यूजिक में भी, अब इसमें बताओ आप फिल्म में कि आपको एक एग्जाम्पल ले लेते हैं मूवी का, मान लो हमने एग्जाम्पल ले लिया बॉर्डर मूवी का ले लिया, बॉर्डर मूवी का प्रोड्यूसर थे जेपी दत्ता, या थ्री इडियट्स का ले लो, मान लो राजकुमार हिरानी थे प्रोड्यूसर आई थिंक, और उनके डायरेक्टर कौन थे, थ्री इडियट्स के बड़े वो हैं डायरेक्टर, काफी मूवीज बना चुके हैं जो दिस, मान लो एक जनरल मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि एक दिस मूवी का प्रोड्यूसर इज देयर, सेकंड इज डायरेक्टर, और थर्ड वन इज लिरिक्स राइटर है जो, ठीक है जी, जैसे जावेद अख्तर मान लो, और फोर्थ वन इज म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर अनु मलिक मान लेते हैं, और फिफ्थ वन इज सिंगर, सिंगर मान लिया हमने सोनू निगम मान लिया। ठीक है जी, एक जेपी दत्ता हो गया प्रोड्यूसर, ठीक है जी, और डायरेक्टर उसका मुझे ध्यान नहीं आ रहा, डायरेक्टर वेरी बड़ा अच्छा वो भी डायरेक्टर है। तो इनमें से अब मूवी का ऑथर कौन माना जाएगा? विदो विनोद चोपड़ा थे सर। हाँ बिल्कुल, उसमें विधु विनोद चोपड़ा और राजकुमार हिरानी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो उसमें क्या हो गया, विधु विनोद चोपड़ा माना जाएगा उसका ऑथर या फिर राजकुमार हिरानी माना जाएगा? सर आप लोग ऑन कर सकते हैं, वीडियो भी ऑन कर सकते हैं, थोड़ा इंटरेक्टिव हो जाएगा सेशन, बिकॉज ये सारे के सारे हमारे से रिलेटेड ही हैं। कोई अगर आपकी रेंज वहां पे ठीक है नेटवर्क की, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एक मूवी में एक्चुअल प्रोड्यूसर इज द मेन ऑथर, बिकॉज ही इज एन एम्प्लॉयर हु इज गिवन द पेमेंट टू द अदर। म्यूजिक डायरेक्टर को भी वही पेमेंट देता है, सिंगर को भी वही पेमेंट दे रहा है, आप आपका दिस लिरिक्स राइटर जावेद अख्तर को भी वही पेमेंट दे रहे हैं, और डायरेक्टर को भी वही पेमेंट। डायरेक्टर कौन है, डायरेक्टर इज द एम्प्लॉई ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर डायरेक्टर को पेमेंट देता है फॉर डायरेक्टिंग द मूवी। सो यहाँ पे ऑथर किसका हो जाएगा सर, मूवी का ऑथर कौन बना बन जाएगा, प्रोड्यूसर। तो यहाँ पे अब सेकंड चीज इसमें म्यूजिक में सर, अब म्यूजिक में भी दो कैटेगरीज कर सकते हैं। एक म्यूजिक में कौन आ गया, जो इंडिपेंडेंट एल्बम बना रहा है, मान लो सोनू निगम इंडिपेंडेंट एल्बम बना रहा है, तो उसमें कौन आ जाएगा, सोनू निगम इज द ऑथर, लेकिन सोनू निगम ने मूवी के लिए सॉन्ग चलाया है, सॉन्ग उसने गाया है, तो वो कौन हो जाएगा उसमें ऑथर, कौन हो जाएगा, सोनू निगम इज एम्प्लॉई बट प्रोड्यूसर कौन माना जाएगा, प्रोड्यूसर इज द ऑथर। तो इन सारे सब्जेक्ट मैटर्स में जो ऑथर्स आपने देखने कि कौन होंगे ऑथर उसमें,
तो ऐसे ही म्यूजिक में म्यूजिक डायरेक्टर या सेल्फ इंडिपेंडेंट जिसने बनाया तो वो आदमी हो जाएगा। सो कोरियोग्राफी में भी अगर वो फिल्म के लिए कोरियोग्राफी की है, सरोज खान है, राजू खान है या और कितने सारे नए आ गए हैं कोरियोग्राफर, तो ऑल्दो प्रोड्यूसर इज ए ऑथर फॉर दैट, लेकिन इंडिपेंडेंट उसने डांस के लिए डायरेक्शन दिया है तो दैट विल ऑल्सो दैट ऑथर कौन माना जाएगा, डांस डायरेक्टर। सो लास्ट वन इसमें एक चीज और बता दूं मैं, स्कल्पचर, किसी ने मूर्तियां बनाई है स्कल्पचर के लिए, सॉरी स्कल्पचर इस फील्ड में, तो उसके जिसने मूर्तिकार है दैट विल कम्स अंडर द कॉपीराइट होल्डर, जो ऑथर कौन माना जाएगा जिसने स्कल्पचर बनाया, जो मूर्ति बनाई है। सो सिंपल ये चीज मैं एक इसमें बता रहा हूँ, उसके बाद हम देखते हैं, ये ओवरव्यू मैंने बता ही दिया आपको, आइडिया कैन नॉट बी प्रोटेक्टेबल, रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट इज नॉट मैंडेटरी, थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी ऑफ वर्क इज नॉट नेसेसरी। आपने कितनी सारी अपने फील्ड से रिलेटेड, इकोनॉमिक से या योगा से या कितनी एक ही सब्जेक्ट की 50 या 100 हम देखते हैं, ये बुक्स देखते हैं, क्या सर सारी अच्छी होती हैं? कितनी सारी मूवीज आती हैं सारी की सारी कॉपीराइटेबल होती हैं, कॉपीराइट उनको मिला होता है, क्या उनकी क्वालिटी अच्छी होती है? कई मूवीज होती हैं बिल्कुल बेकार बनी होती हैं, कई बुक्स लाइब्रेरी में हमारे भी होती हैं हम खरीद लाते हैं जो अच्छी नहीं होती, बट एवरी बुक इज कवर्ड अंडर द कॉपीराइट। सो इससे क्या पता लगता है कि क्वालिटी ऑफ वर्क इज नॉट नेसेसरी टू टेक कॉपीराइट, क्वालिटी जरूरी नहीं है उसके लिए, सिर्फ एक कंटेंट होना जरूरी है। कई सारे मोथर देखते हैं कि लिखते जा रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर बुक लिख देंगे, हमारे लॉ में एक माइनी है या कई सारे लोग हैं जिन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट, लॉ में कोई आईपीआर है, कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, दूसरे मैरिज एक्ट है, मान लो सबके ऊपर एक ही आदमी ने किताबें लिखी हुई है, सो दैट इज नॉट पॉसिबल एज पर माई व्यू, लेकिन उन्होंने सबका कॉपीराइट ले रखा और सबका ओवरव्यू उन्होंने बना रखा है। सो इससे क्या पता लग रहा है कि कॉपीराइट उसका जो क्वालिटी ऑफ वर्क इज नॉट नेसेसरी, क्वालिटी मेंटेन करना जरूरी नहीं है। नाउ ओरिजिनलिटी, एक सिंपल हम बात करें कि एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया इज कॉपीराइटेबल जैसे मैं बताया, तो उसमें अगर कुछ ओरिजिनलिटी है, टू थ्री थ्योरीज आर देयर इसमें, जैसे स्वेट ऑफ ब्रोज, भाई किसी ने पसीना बहाया है नहीं बनाया, तो कई यूएसए और इंडिया में कुछ कंट्रोवर्सी है यहाँ पे कि ओरिजिनलिटी कैसे डिफाइन की जाए, आपकी किसी भी फिल्म में ओरिजिनलिटी नहीं मिलेगी हम बॉलीवुड की बात करें तो। सो ओरिजिनलिटी इज नॉट डिफाइन अंडर दिस कॉपीराइट एक्ट, बट इट डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर की आपकी ओरिजिनलिटी क्या है, मूवीज की, आपने बुक्स भी देखोगे इकोनॉमिक्स की तो या किसी भी सब्जेक्ट की, तो उसमें भी यही दिखता है हमें कि कैसे उसमें ओरिजिनलिटी डाली गई है। सिंपल सा मैं बता दूं इसमें चार, एक मैं ये चीजें बताना चाहता हूं कि फोर राइट्स आर देयर अंडर दिस कॉपीराइट। फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक राइट, सेकेंड वन इज नेगेटिव, थर्ड वन इज मॉरल एंड फोर्थ वन इज नेबरिंग राइट। सो ये क्या है, बंडल ऑफ राइट्स आर देयर। इकोनॉमिक तो रॉयल्टी की फॉर्म में हम ले सकते हैं, क्योंकि जब आप कोई काम या कोई वर्क क्रिएट करोगे तो उसके लिए आपको लाइसेंसिंग से या असाइनमेंट से यू कैन गो गेट फॉर दिस कॉपीराइट, और उसके बदले में आप रॉयल्टी लोगे इफ समवन इज पब्लिश योर वर्क। सेकेंड, आपको शुरू ही बताया था मैंने कि नेगेटिव राइट मीन्स इट रिस्ट्रेन द होल वर्ल्ड फ्रॉम यूजिंग दैट वर्क, ठीक है, सो दैट्स वाई इट इज नेगेटिव राइट। फोर्थ पहले मैं बताना चाहूंगा नेबरिंग राइट, वैसे तो ये जो मैंने पहले आपको बताए हैं ये सब्जेक्ट मैटर ये कवर करते हैं आपके कॉपीराइट में, लेकिन नेबरिंग राइट्स के आगे यहाँ पे कि नेबरिंग राइट्स में क्या आ गया कि जैसे फॉर एग्जांपल आई एम ए टीचर, आई एम डिलीवरिंग लेक्चर हेयर, द एचआरडीसी विल गिव पेमेंट फॉर मी फॉर दिस लेक्चर, इसकी पेमेंट मुझे मिलेगी, तो वो तो हो गया इकोनॉमिक राइट। सेकंड नेबरिंग राइट क्या आ गया कि इन सब्जेक्ट मैटर के अलावा सेक्शन 13 ऑफ कॉपीराइट के अलावा जो डिफरेंट एक्ट्स हैं, ये जो जैसे आप इवन मदारी जो स्नेक चार्मर जो खेल दिखा रहा है गली में, सांप का खेल दिखा रहा है, कोई मदारी बंदर का खेल दिखा रहा है, सर्कस में जगलर कोई कुछ ऊपर बॉल्स फेंक के वो कोई काम कर रहा है, कोई तमाशा दिखा रहा है, इवन टीचर इज आल्सो कवर्ड अंडर द नेबरिंग राइट। व्हाट इट मींस परफॉर्मर, कि जो परफॉर्म कर रहा है, इवन आपने एक मूवी देखी होगी दिल तो पागल है, उसमें ड्रामा कर रहे हैं शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित और करिश्मा कपूर, माया नाम से वो ड्रामा कर रहे हैं, सो इवन ड्रामा जो वो कर रहे हैं स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं परफॉर्मर, दे आर ऑल्सो कवर्ड अंडर द कॉपीराइट। ये जो 6-7 सब्जेक्ट मैटर आपको आपको बताया था, इनके अलावा एक आपने नोट करना है परफॉर्मर, और उसके बाद एक आपने क्या नोट करना है, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। ब्रॉडकास्टिंग राइट मीन्स जैसे आपके जो जितने भी चैनल्स आ रहे हैं या एफएम रेडियोज आ रहे हैं,
कैन यू नो कि इसके लिए इनको कितना पैसा देना पड़ रहा है, कि नो सॉन्ग कैन बी प्लेड बाय एनीवन विदाउट द परमिशन ऑफ प्रोड्यूसर। आप कोई भी एफएम पे सॉन्ग सुन रहे हो या गाना डॉट कॉम पे इंटरनेट के ऊपर सॉन्ग सुन रहे हो, आई हैव डाटा आल्सो कि 1 करोड़ रुपया इनको देना पड़ता है पर एनम सॉन्ग चलाने के लिए, और उनसे परमिशन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल टी सीरीज से या किसी भी कंपनी से, टिप्स से या वीनस से, जो भी कंपनीज हैं दे हैव टू टेक परमिशन, और दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द सब्सक्रिप्शन, कि फ्री सब्सक्रिप्शन है या पेड सब्सक्रिप्शन है। आई हैव सम डाटा ऑल्सो रिलेटेड टू दैट, अगर चाहिए तो मैं उसके बारे में बता सकता हूँ। तो ये जो है, ये जो नेबरिंग राइट्स में इवन नाउ नेटफ्लिक्स इज देयर, और जो आपके आगे हैं हॉटस्टार इज देयर, या डिजनी चैनल्स आर देयर, जो ऑनलाइन ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गए हैं दे आर ऑल्सो कवर्ड अंडर दिस ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। ठीक है जी, सिटी केबल इज ऑल्सो कवर्ड अंडर द ब्रॉडकास्टिंग राइट, तो इनकी जो ब्रॉडकास्टिंग है दे आर ऑल्सो कवर्ड अंडर दैट। और जो इम्पोर्टेंट नेक्स्ट जो लास्ट वन है दैट इज मोरल राइट। मोरल राइट के मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ कि मोरल राइट ये नहीं कि सिर्फ आपको पैसा मिल गया तो आपका काम चल गया मोरल राइट्स पे, नो। मोरल राइट्स में क्या आ गया, एक दो एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ मोरल राइट्स के, कि एक आपको दिख रहा है चेतन भगत, चेतन भगत दिख रहा है आपको? यस सर, हाँ, तो ये एक कंट्रोवर्सी बता रहा हूँ, उससे मैं आई विल प्रूव कि मोरल राइट्स कैसे दिए जाते हैं। चेतन, अभी आपने खुद ही बताया था, क्या कहते हैं, सुरेंद्र जी ने बताया था कि जो ये प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे थ्री इडियट्स के, राजकुमार हिरानी, और क्या बताया था सर आपने, एक दूसरे क्या बताए थे, विधु विनोद चोपड़ा सर। विधु विनोद चोपड़ा। सो विधु विनोद चोपड़ा जो थे वो तो है प्रोड्यूसर सर, विधु विनोद चोपड़ा। और मैंने खुद इनकी फाइट देख रखी, चेतन भगत और विधु विनोद चोपड़ा की, आउटसाइड द कोर्ट, और न्यूज चैनल वाले उनका टेलीकास्ट कर रहे थे, लाइव टेलीकास्ट, जब ये मूवी रिलीज हुई थी। क्या हुआ कि चेतन भगत ने अपनी स्टोरी, ये नॉवल पे बेस्ड है सर, ये थ्री इडियट्स आपको पता होगा, फाइव यस पॉइंट सर, समवन, तो चेतन भगत ने अपनी स्टोरी बेस्ड दी विधु विनोद चोपड़ा को, और विधु विनोद चोपड़ा ने उसके ऊपर मूवी बना ली बाय अडेप्टिंग समथिंग या बाय चेंजिंग सम कंटेंट ऑफ नॉवल। उसके बाद क्या हुआ है कि जब वो उसको भी बुला लिया गया कि मूवी बना ली आप देखने आ सकते हो, वर्ल्ड प्रीमियम करते हैं बड़े थिएटर में, कुछ भी है, जब विधु विनोद चोपड़ा वहां पे देखने गया, सॉरी चेतन भगत वहां मूवी देखने गया, तो देर वॉज नो नेम ऑफ चेतन भगत इन दैट मूवी, इन स्पाइट ऑफ दैट कि होल मूवी इज बेस्ड ऑन हिज नॉवल फाइव पॉइंट समवन। तो कैसा फील होगा सर, आपके नॉवल पे मूवी बने और वहां मूवी देखने जाओ आपका नाम ही ना हो। देन चेतन भगत आस्क द विधु विनोद चोपड़ा कि मेरा नाम कहाँ पे है। विनोद चोपड़ा के कहते तुझे मिल तो गए भी 40 लाख रुपए तेरी स्टोरी के, 20 लाख 40 लाख जो भी इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। बोले नाम का क्या है भाई, आपको पैसे तो मिल गए, इकोनॉमिक राइट आपका खत्म हो गया। वो कहता है नो, आई हैव सोल्ड माई स्टोरी, आपने मुझे पैसे दिए हैं उसके बदले में, बट इट डजेंट मीन कि मेरा नाम ना हो। आपका व्यू क्या है सर, इज इट राइट और रॉन्ग? सर राइट, नाम तो होना चाहिए उसका। नाम तो होना चाहिए सर, लेकिन आपको पेमेंट मिल गई सर, 20 40 लाख जो भी थी आपकी, आपके नॉवल के मिल गए बट एक्नॉलेज तो करना सर। चाहिए वो सर तो कि उसको मिले है आइडिया ना जो है कि वो आपकी किसका है। स्टोरी के मिले है वो तो। तो हाँ बिल्कुल, तो सर इनकी लड़ाई मैंने खुद देखी, टीवी न्यूज चैनल्स पे देखी, इनकी आपस में लड़ाई होते हुए देखी, आपकी इनके आर्गुमेंट्स होते हुए देखे। देन चेतन भगत ने इनको लीगल नोटिस दिया, चेतन, और फिर वो भी तब्दील माने बाद में सर इनका कंप्रोमाइज हो गया, इनका नाम ऐड किया गया। तो सर एक्नोलेजमेंट तो होना चाहिए। तो सिमिलरली एक दूसरा भी केस मैं बताना चाहता हूँ, और इम्पोर्टेंट है, फिर मैं मल्लिका शेरावत का भी बताता हूँ। इसमें एक दिख रहा होगा सर अमरनाथ सहगल, फिर मैं दोनों केस दूसरे भी बताऊंगा। सो सबसे इम्पोर्टेंट लीडिंग केस है इसमें अमरनाथ सहगल वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, सर आप नोट डाउन कर सकते हो, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है मोरल राइट का, काफी इंटरेस्टिंग केस है। सो अगर विज्ञान भवन किसी ने विजिट किया हो, दिल्ली में विज्ञान भवन, आई विजिटेड 2 3 टाइम्स फॉर सम कॉन्फ्रेंसिस, तो वहां पे अंदर सर एक सर्कल बना हुआ है, खाली जगह है, स्पेस है, पार्क है, दोनों साइड सड़क है, तो बीच में जो सर्कल है उसके ऊपर दिल्ली, क्योंकि विज्ञान भवन कम अंडर द दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, तो विज्ञान भवन ने इनको ऑर्डर दे दिया, एक बड़े अच्छे स्कल्पचर थे जो एक्सपायर हो गए भी 4 5 साल पहले,
अगर नाम भी आप इंटरनेट पे डालोगे तो आपको मिल जाएगा। सो ये अमरनाथ सहगल को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया कि आप यहाँ पे हमारी एक मूर्ति बना के दो जो इस चौक पे लगे कि विज्ञान भवन के अंदर जो सर्कल वहां पे है। तो उन्होंने बना के दी, उनको 20 लाख रुपए मिले भी उसके स्कल्पचर बनाने के, वो मेटल से बनी हुई थी मिक्स करके जो भी बनी हुई थी, उनके काम करने के लिए 20 लाख रुपए अलग मिले उनको जो उनके वर्क के लिए। अब क्या हुआ, 2-3 साल बाद ब्रास की थी, कोई मेटल था, आयरन था बीच में, उसके ऊपर से रस्ट लग गया, जंग लग गया, और बिकॉज ऑफ दैट रस्ट दैट हैज बीन थ्रोन इन स्टोर, उसको उखाड़ के उन्होंने स्टोर में फेंक दी क्योंकि उसके ऊपर जंग लग गया था। 2-3 साल बाद जब ये जो अमरनाथ सहगल है, रिनाउंड एक स्कल्पचर है, व्हेन ही विजिटेड दैट विज्ञान भवन, वो कहते मेरी मूर्ति कहाँ चलेगी जो मैंने बनाई थी। वो कहते जी जंग लग गया था, किसी ने कहा PNP ने कि वो अंदर फेंक दिया हमने। वो कहते ऐसे कैसे फेंक सकती हो। ही सर्वड ए लीगल नोटिस टू दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, ही फाइल्ड अ केस इन दिल्ली हाई कोर्ट कि या तो मेरी मूर्ति वापिस करो या वहां पे रीइंस्टॉल करो दोबारा उसको ठीक करके। तो वो भी कहते हैं आपके पेमेंट हो चुके हैं, 20 लाख रुपए आपको मिल चुके हैं, अब किस बात की है। सो दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया, और साथ में ये कहा गया कि या तो आप वापिस करो इसकी मूर्ति जो इन्होंने बनाई है या फिर वहां पे रीइंस्टॉल करो। सो दैट इज ए गुड केस ऑफ मॉरल राइट ऑफ एन ऑथर मूर्ति के साथ। सो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सिमिलरली दो केस मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ इसमें मॉरल राइट में। जैसे ये एक छोटी सी लव स्टोरी, एक मनीषा कोइराला की मूवी आई थी, तो इसमें जो जो शंकर लाल नायर थे या जो भी इसके डायरेक्टर थे, ही हैज पेस्ट सम मोर्फ इमेज ऑफ समवन, जैसे इनको कहा गया कि आपने ऐसे सीन करने हैं, तो मनीषा कोइराला रिफ्यूज टू डू दैट पर्टिकुलर सॉन्ग की एक लव स्टोरी थी छोटे बच्चे में और एक पड़ोस में कोई लेडी रहती थी। उन्होंने क्या किया कि मनीषा कोइराला की जगह कोई और लड़की लेके उसके सीन उसमें मोर्फ कर, मतलब उसमें ऐड कर दिए गए। व्हेन मनीषा कोइराला केम टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स, तो उन्होंने कहा ये कैसे कर दिया भाई। वो बोले आपको क्या दिक्कत है, आपके तो सीन नहीं डाले ना इसमें। तो काफी कंट्रोवर्सी हुई, तो बाद में उन्होंने डायरेक्टर ने माफी मांगी और स्पेशल कहा गया कि ये सीन यहाँ पे डिपिक्ट किए गए हैं, वी हैव पेस्टेड दीज सीन्स विदाउट अ कंसेंट ऑफ दैट। तो उसमें भी काफी कंट्रोवर्सी हुई। तो एक चीज मैं और इसमें एक केस बताना चाहूंगा, जैसे इसमें भी कि विदाउट परमिशन यू कांट डू दैट थिंग विदाउट द परमिशन ऑफ ऑथर। जैसे मलिका शेरावत है, ही हैज ऑल्सो मेड ए कॉन्ट्रैक्ट विद ली मैरिडन होटल कि ऑन द प्री कहते हैं ना प्री ईव ऑफ न्यू ईयर, प्री ईव होते हैं 31 दिसंबर की रात को, बड़े बड़े होटल्स में डांस पार्टी या वैसे होते हैं गाला डिनर होते हैं जहाँ पे अमीर आदमी जाके वहाँ डिनर दिया जाता है, लेकिन डिनर के साथ कोई बड़ी कोई भी जो एक्ट्रेस है वो डांस करती है। जैसे प्रियंका चोपड़ा 1.5 करोड़ लेती थी, या कोई ये जैसे इसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि हर मिनट के 5 लाख या 75 लाख रुपए इसको देने की बात हुई। लेकिन गाला डिनर के लिए टिकटें मलिका शेरावत जहाँ डांस करना था ली मेरिडन होटल में, वो सेल नहीं हुई उस टाइम पे, कुछ साल पहले की बात है। नाउ ली मेरिडन होटल के जो मैनेजमेंट थी, दे सोल्ड द राइट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग टू समवन एल्स, न्यू चैनल्स को कह दिया कि आप लाइव दिखाओ अपने न्यू चैनल्स पे और हमें 2-2, 4-4 लाख, 5-5 लाख रुपए दे दो। सो व्हेन मलिका शेरावत केम टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स, शी रिफ्यूज टू डांस, और वो बीच में डांस छोड़ के चलेगी कि विदाउट माई परमिशन। जैसे अब पवन सर ने या शेफाली मैम ने मेरे को आपके साथ इंटरेक्ट करने के लिए बुलाया गया है, मेरे को आपके मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन यही ये बिना परमिशन के मान लो फेसबुक पे भी डाल रखा है, यूट्यूब पे भी डाल रखा है, दैट इज ऑल्सो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ माई राइट। अगर मेरे को नहीं पता और ये फेसबुक और यूट्यूब पे चल रहे हैं, ये सर इन्फ्रिंजमेंट है अगर नहीं पता और ये ऑनलाइन कोई भी देख रहा है, बिकॉज दे हैव इन्वाइटेड मी टू इंटरेक्ट विद यू। सीधी सी बात है, लेकिन आई नो कि इट इज गुड फॉर मी कि अगर कहीं और भी देख रहे तो, अगर फॉर डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज ये चल रहा है तो, बट एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट सर जी सर कौन माफी चाहते हैं, सा आगे से ध्यान भी रखेंगे हम। नहीं, ये सर कॉपीराइट नहीं, मुझे पता है ये चल रहा है जी सर, जी इसलिए आई एम नॉट ऑब्जेक्टिंग फॉर दैट, आई नो क्योंकि लास्ट जी जी सो मेनी फिटिंग आपने सर बताया जी कि ये लेक्चर चल रहा है, लेकिन इफ समवन रिफ्यूज टू टेलीकास्ट या ब्रॉडकास्ट या लाइव दीज थिंग्स ऑन नेट, तो यू कांट डू सर, दैट इज द मेन थिंग जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो मल्लिका शेरावत का जो डांस था, दे हैव ब्रॉडकास्ट ऑन द न्यूज चैनल्स विच वॉज अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्ट। सो बीच में आप नेट पे भी केस उठा के देख सकते हैं, ली मैरिडन होटल का केस है ये, इन दैट थिंग
अब बाद में फिर इनके माफी हुई या जो भी, उसको अलग से डैमेजेस या कंपनसेशन ली मेरिडन होटल को देना पड़ा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ था कि जिस उस हॉल में जितने भी पार्टिसिपेंट होंगे वो डांस देखेंगे, लेकिन आप बाहर वो डांस दिखा रहे हो मल्लिका शेरावत का, दैट इज वायलेशन ऑफ हर राइट। बाद में सर इनके बीच में कंप्रोमाइज हुआ, बड़े लोग हैं ये करते रहते हैं। सो हेयर दीज आर द थिंग्स। सो अब मैं थोड़े से आपके साथ जैसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ कि हु इज द कॉपीराइट ओनर ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर। सर 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 जी सर मेरे क्वेश्चन था यदि आप जी जी क्लियर जी करा। प्लीज प्लीज सर जैसे स्पोर्ट्स के चैनल होते हैं और वो लाइव टेलीकास्ट चलता है, मैच क्रिकेट का है, फुटबॉल का, किसी का भी है, पर वो 2 या 3 चैनल को देते हैं उसकी जी लाइव एक टेलीकास्ट, जी पर जो अपना दूरदर्शन है वो उसको दिखाता है, जी उसको परमिशन नहीं है पर वो उसको दिखाता है, तो वो क्या चीज है सर? आ जाऊं सर, पहले अभी मैंने बताया नहीं, आपने क्वेश्चन पूछ लिया, मैं डायरेक्ट उस पे, बड़ा इंटरेस्टिंग है सर, इसके ऊपर केस लो है, अगर मैं यहाँ पे इसमें मैंने डाल रखा है तो ये है सर वो केस, 10 स्पोर्ट्स का एक केस है, हाँ मैं यस बता। यस 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 हाँ जी चलो, आपने बता दिया, मैं आगे आना था, लेकिन इंटरेस्टिंग है कुछ ये, अब आपसे रिलेटेड है सर चलो फिर सारी हम बात। वेट कर लेते हैं सर प्लीज कहीं। हाँ नहीं कोई बात नहीं, आपकी क्वेरी है, अभी मैं क्वेश्चन पेपर के ऊपर भी आया था इसलिए कि क्वेश्चन पेपर पे किसका कॉपीराइट है सर, बिकॉज हम सारे क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, कभी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी मेरे पास पड़े भी हुए हैं, कोई CDLU का है, कोई GJU का है, क्योंकि वहाँ भी एक लॉ कॉलेज है हिसार में, छाजूराम लॉ कॉलेज। तो इसमें क्या है सर, बड़ा इंटरेस्टिंग से इसके फैक्ट्स हैं कि अगर अपने बात की ओर 1999 की सर, 1999 में एक वर्ल्ड कप हुआ जिसके प्रसारण दे दिए वर्ल्ड टेल को सर, एक कंपनी थी वर्ल्ड टेल, और सिर्फ 2 चैनल होते थे वहां पे स्पोर्ट्स के, एक होता था ESPN, अगर मेरी एज का कोई है तो, एक सर ESPN था, दूसरा कौन सा था, स्टार स्पोर्ट्स सर, इन दोनों के बीच में कंपटीशन होता था। और आपने अगर इकोनॉमिक्स की भी यहाँ पार्टिसिपेंट है, कंपटीशन लॉ भी है सर कि अगर दोनों मिल जाएं पड़ोसी तो वो रेट ज्यादा कर लेते हैं। तो थर्ड कंपनी आ गई सर जिसने बिड लगाई सर, जी सत्येंद्र सर, जिसने बिड लगाई, कार्टेल बना के दो जी जी 100% बिल्कुल चैनल है सही वो आप, कार्टेल बना सकते हैं उसका। यस सर एग्जैक्ट आपने प्रॉपर वर्ड बताया, कार्टल, सीमेंट कार्टल्स के ऊपर भी फाइन लगाया 600 करोड़ रुपए का, कार्टेल और भी काफी कार्टल्स, बिल्कुल सही एग्जैक्ट वर्ड इज कार्टल, कार्टेल इज इलीगल इन लीगल सेंस। बिल्कुल सर 100%। तो कंपटीशन लॉ की भी लास्ट में बताऊंगा कि कैसे ये इंटरलेटेड है कि दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, IP भी कंपटीशन लॉ भी, हैं आपस में अपोजिट सर ये, लेकिन लेकिन बोथ आर एग्जिस्टिंग इन आवर दिस। तो यहाँ पे क्या हुआ सर, मैं एक बार इनका बता दूं, नवीन सर की बात, तो यहाँ पे वर्ल्ड टेल को उन्होंने BCCI या जो ICCI है सर इंटरनेशनल लेवल पे वो ठेका देती है सर कंपनीज को। तो पहले तो आपस में ये बांट लेते थे स्टार स्पोर्ट्स और ESPN, बाद में इकट्ठे भी हो गए। तो फर्स्ट टाइम एक सऊदी अरब की या UAE की कंपनी आई 10 स्पोर्ट्स सर, उसने इतनी ज्यादा बोली लगा दी कि क्रिकेट तो सर एशिया में सारी कंट्रीज देखती है, बांग्लादेश भी, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, क्योंकि मोस्टली अफ्रीका, ये एशियन कंट्री में है, वो भी साउथ एशियन कंट्री में। क्या हुआ सर उस टाइम कि इसने इतनी ज्यादा बिड लगा दी, बोली लगा दी कि सिर्फ वो फिर केबल चैनल्स पे ही वो देना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, कि केबल, और केबल सर 99 में सिर्फ सिटीज में ही थी, मेट्रोपॉलिटन सिटी और कुछ जो बड़ी बड़ी सिटीज थी, ये नहीं थी, गांव में थी। मान लो मैं रहता हूँ सर गांव में, ठीक है सर, तो अब गांव में तो सिर्फ दूरदर्शन आता है या फिर एक मेट्रो चैनल आता था सर, एक तो दिल्ली दूरदर्शन आता था, दूसरा एक मेट्रो आता था, हमारे घर में तो यही आते थे उस टाइम पे। तो व्हाट वाज हैपन नाउ, बीइंग ए इंडियन सिटीजन आई हैव नो राइट टू वॉच इंडियन मैचेस, ठीक है ना सर, अगर मैं अपना इंडिया का सिटीजन हूं और मुझे ही वंचित कर दिया गया इंडिया के मैच देखने से, तो प्रसार भारती जो हमारे बेस पे हमारे सबके रिप्रेजेंटेटिव, दैट हैव फाइल केस इन दिल्ली हाई कोर्ट कि ये क्या कर दिया हम इंडिया के, क्योंकि सारे इंडिया के मैच या सारे पूरे जो वर्ल्ड कप के मैच कौन दिखाएगी, 10 स्पोर्ट्स। तो प्रसार भारती ने केस फाइल कर दिया दिल्ली हाई कोर्ट में, और उसमें क्या किया कि अब दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या डिसाइड किया कि गांव वाले या कोई भी दिल्ली दूरदर्शन पे भी देख सकता है मैच और 10 स्पोर्ट्स पे भी देख सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपके घर केबल है तो 10 स्पोर्ट्स पे देखो, लेकिन दूरदर्शन पे सिर्फ इंडिया के मैच आएंगे सर, बाकी नहीं आएंगे दूरदर्शन पे। तो हम इंडिया के मैच उस टाइम पे हमने देखे, लेकिन ये 10 स्पोर्ट्स कहता है तो मैंने तो हजारों करोड़ रुपए का मैंने बिड डाल दिया,
मैंने तो वहां पे बोली तो 1000 करोड़ की, मेरे तो घाटा हो जाएगा. तो व्हाट वाज हैपन कि जो भी रिवेन्यू जनरेटेड बाय दिस दिस चैनल दिल्ली दूरदर्शन, 60% उसका, आई थिंक 60 था, 60-40 में डिवाइड कर दिया, दैट हैज टू बी गिवन टू द 10 स्पोर्ट्स, और 40% जो दिल्ली दूरदर्शन प्रसार भारती अपने पास रख लेंगे. अब दोनों का भी हो गया, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि वी हैव टू कीप इन माइंड द पब्लिक इंटरेस्ट, वी हैव टू थिंक ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट आल्सो, ये नहीं कि ऑथर का या प्राइवेट इंटरेस्ट देखेंगे, दीज आर द प्राइवेट राइट्स. तो वहां पे आम आदमी में देखे इंडियन के मैच, और जो दूसरे मैच थे वो सारे 10 स्पोर्ट्स भी देखे. दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग केस. अभी दो तीन और आपको एग्जांपल बताऊंगा विच आर रिलेटेड टू ऑल दिस पब्लिक इंटरेस्ट, हमारे इंटरेस्ट से रिलेटेड कैसे सेफ गार्ड किए गए हमारे इसमें. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, मैं एमडीयू के भी एग्जांपल लूंगा, एमडीयू यूनिवर्सिटी जो लेटेस्ट अभी केस आए हैं. अच्छा, ये आपको मोरल राइट बता दिया, एक जनरल में बता रहा हूँ कि ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं कॉपीराइट. एक तो असाइनमेंट, आपने पूरा पूरा प्लॉट भेज दिया सर, दैट इज जस्ट लाइक ए असाइनमेंट, आपने पूरे राइट्स अपने सेल कर दिए. मैंने कोई चीज बनाई है, बुक लिखी है, मैं आपको पब्लिशर को राइट असाइन कर दूं पूरे पूरे. सेकंड है सर लाइसेंस. लाइसेंस क्या हो गया कि फॉर पर्टिकुलर टाइमिंग, जैसे आपने अपने ड्राइविंग लाइसेंस का बताया था कि टाइम पीरियड दे दिया या टेरिटरी दे दी कि आप सिर्फ, आपने कई बुक्स के ऊपर देखा है सर, फॉर सेल इन नेपाल भूटान बांग्लादेश ओनली, फॉर साउथ एशियन कंट्री ओनली, कई जगह लिखा होता है सर बुक में. तो व्हाट इट मींस कि लाइसेंस हैज बीन ग्रांटेड टू पर्टिकुलर टेरिटरी या पर्टिकुलर टाइम पीरियड, भाई आपको 2 साल का लाइसेंस दे दिया. व्हाट इट मींस लोकल लैंग्वेज में समझा देता हूँ, ये असाइनमेंट में तो आपने अपना प्लॉट या मकान सेल कर दिया, लाइसेंस में आपने किराए पे दे दिया, पट्टे पे दे दिया, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, या फिर एक कमरा दे दिया आपने, मतलब पूरा मकान नहीं दिया. तो दैट इज जस्ट लाइक लाइसेंस. ट्रांसमिशन क्या होता है सर इन केस ऑफ डेथ, वो पहले वाले थे बाय एक्ट ऑफ पार्टी, आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो. डेथ के केस में आपके राइट्स, जैसे मैंने बताया कॉपीराइट के, लाइफ टाइम प्लस 60 इयर्स, वो आगे चले जाएंगे आपके बच्चों के पास. दैट इज ट्रांसमिशन, दैट इज अ थिंग कम्स इन. तो तीन ये चीजें आपने इंपॉर्टेंट है, आपने याद करनी है उस चीज में. सो हेयर नेक्स्ट इसमें देख सकते हो, ये कुछ राइट्स हैं, एक्सक्लूसिव राइट, आप रिप्रोड्यूस कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, पब्लिक में दिखा सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो, अडेप्ट कर सकते हो सर किसी फॉर्म में. जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि क्रिस मूवी आई थी तो उसमें मास्क था, मान लो वो लाइफ बॉय साबुन के साथ भी मिलने लग गया है, टी शर्ट्स के ऊपर भी ये लिख के आने लग गया. सो यू कैन रिप्रोड्यूस यूर वर्क इन एनी फॉर्म. आप ट्रांसलेट भी कर सकते हो मूवीज में भी, अलग अलग मूवीज में आप ट्रांसलेट कर सकते हो, जिस डबिंग कर सकते हो, कोई उसकी कार्टून मूवीज बना सकते हो, तो वो आएगा इसमें राइट्स ऑफ ऑथर में सर. उसके बाद मैं एक चीज ये बता दूं, ये लिटरेरी वर्क मैंने सब चीजें लिख दी है, इसमें ये चीजें आ जाएंगी सर, पोएम आ जाएगी, आर्टिकल्स आ जाएंगे, टेक्स्ट बुक आ जाएंगे, नॉवल्स आ जाएंगे, इंसाइक्लोपीडिया आ जाएगा, डिक्शनरी इज ऑल्सो कम्स अंडर दैट, लिरिक्स राइटिंग आ जाएगी, क्वेश्चन पेपर, थीसिस, डिजर्टेशंस, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी. एक इम्पोर्टेंट केस मैं बताता हूँ, आपने पुराने टाइम देखा होगा, सोनी का एक वीडियो रिकॉर्डर आता था सर, जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो रिकॉर्डिंग आया, रिकॉर्डर आया 1970s में, तो जितने भी फिल्म प्रोड्यूसर्स थे दे हैव फाइल्ड केस अगेंस्ट दिस, या जो चैनल्स वाले थे, टीवी चैनल्स वाले, कि इट इज वायलेशन ऑफ कॉपीराइट. क्या था सर कि कोई भी जो जो चैनल्स थे उसमें क्या करते थे, वीडियो रिकॉर्डर साथ लगा के उसमें रिकॉर्डिंग कर लेते थे लोग. जैसे मैं सर्विस पे अब जा रहा हूँ, मैं 4 बजे घर वापस आऊंगा, बीच में क्रिकेट मैच आ गया तो मेरी मिसिज उसकी रिकॉर्डिंग कर लेगी, और मैं 7 बजे आके वो सारा का सारा मैच 3 घंटे का दोबारा देखूंगा, वनडे मैच है मान लो, या 2020 है. तो नाउ व्हाट वाज डिसाइडेड बाय द यूएस कोर्ट, इट इज ए शिफ्टिंग ऑफ टाइम, इट इज नॉट वायलेशन ऑफ कॉपीराइट. क्यों? क्योंकि मैं तो दोपहर को नहीं देख सकता, मैं ऑफिस में हूँ या मैं दुकान पे हूँ, तो घर आके मैं दोबारा से मैच या वो सीरियल देख सकता हूँ. सो दैट इज शिफ्टिंग ऑफ टाइम, इस केस में ये डिसाइड किया गया, दैट इज नॉट वायलेशन ऑफ कॉपीराइट. जैसे अभी और एग्जांपल मैं दूंगा आपको, जिससे पता लगेगा कि कैसे कैसे इसमें वो कर सकते हैं. ये सर एक स्वेट ऑफ ब्रो एक डॉक्ट्रिन थी जिसमें बताया गया कि ओरिजिनलिटी शुड नॉट बी रिक्वायर्ड अंडर दिस कॉपीराइट. लेकिन एक दूसरी डॉक्ट्रिन थी उस मॉडिकम ऑफ क्रिएटिविटी, जिसमें ये बताया गया कि कुछ तो ओरिजिनलिटी रखो भाई, ये नहीं कि पूरी की पूरी आप कॉपी कर लो उस चीज की, कि आपके जैसे स्वेट ऑफ ब्रो में बताया गया कि जरूरी नहीं है कि उसमें ओरिजिनलिटी हो. लेकिन टाइम पास होता गया, किसी ने कहा ये थोड़ी अभी बिल्कुल ही आप कॉपी कर लो. देयर शुड बी सम डिस्टिंक्शन या डिफरेंशिएशन बिटवीन द प्रायर वर्क
और बाद के वर्क में, ठीक है सर। जैसे एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, अपने येलो पेजेस देखे होंगे, टाटा येलो पेजेस जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में सबके फोन नंबर लेके लोग क्या करते हैं, पूरी सिटी के फोन नंबर लेके उनको कंपाइल कर लेते हैं। जैसे आप जितने भी पार्टिसिपेंट हो, मैं आपके सबके नाम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल, कॉलेज का नाम लेके मैं एक वो बना देता हूँ सर, कंपाइल कर लेता हूँ और बुकलेट बना देता हूँ और मैं उसको बेचने लग जाऊँ, ठीक है सर। अब किसी आप में से भी कोई यही काम करने लग जाए तो वो क्या हो गया, कॉपिंग हो गया। या फिर आप साथ में आपकी मिसिज का भी नाम हम डाल दें, आपके हस्बैंड का नाम डाल दें, आपके फादर्स का नाम डाल दें, तो वो कहते हैं मैंने तो अलग काम कर दिया। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि इन विच फॉर्म कॉपीराइट एग्जिस्ट, कि फैक्ट्स में कॉपीराइट है या नहीं है, कि आई एम ए मैन, यू आर ए वुमेन, या आई एम ए फादर। जो फैक्ट्स हैं, जो सच्चाई है, वेदर कॉपीराइट एग्जिस्ट इन दोज थिंग्स और नॉट, दैट इज ऑल्सो क्वेश्चनेबल। सो फैक्ट्स में कभी कॉपीराइट नहीं होता। जैसे मैंने ताजमहल के आपको फोटो में दिखाया, वो तो आप कर सकते हो, लेकिन केरला में बाढ़ आ गई, दैट इज नॉट कॉपीराइटेबल। आप भी अपनी अखबार में लिख सकते हो और मैं भी अखबार में लिख सकता हूँ, ठीक है सर। सो इसमें आगे मैं आगे डिस्कस करूंगा इसके बारे में, काफी इंटरेस्टिंग है। सो ये कॉपीराइट में बताया गया है कि ओरिजिनल रिसर्च इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर क्लेमिंग कॉपीराइट। जैसे ये चीजें आ गई, मैप्स है सर, मैप का तो वही होगा, अर्थमेटिक है या एल्मेनेक है, इंसाइक्लोपीडिया, इन चीजों में तो आ जाएगी अगर आपने अगर स्पेसिफिक किया है, इसमें आपने कोई वर्क किया है सर। जैसे कुछ वर्ड्स हैं, अभी हम सुबह भी बात कर रहे थे, जैसे सर ऑटम फैन आया था, अगर आपने सुना हो तो, ऑटम फैन आया था, सुना है सर, हमारे टाइम में ऑटम आता था, वो किसने बना रखा था, मेट्रो कंपनी ने बना रखा था। उन्होंने कैसे नेम नया बनाया, मेट्रो को उल्टा कर दिया सर, मेट्रो कंपनी थी, उन्होंने अपने मेट्रो को उल्टा कर दिया, ऑटम बन गया सर। ऑटम फैन बड़ा फेमस एक टाइम हुआ था, आजकल पता नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा सर। सेकंड सर, एक आया वर्ड प्लूटोनाइज, अगर लिखना है तो मैं लिख देता हूँ आपकी इसमें, तो ये कैसे वर्ड डिफाइन हुए सर, कैसे बनाया, अगर किसी ने बना ये प्लूटोनाइज्ड, या सर ऑटम आया ORTEM, ये सर मेट्रो का उल्टा था, क्या हो गया METRO, इसको उल्टा कर दो तो ऑटम बन जाएगा सर। सो अगर कोई आप नया इन्वेंट कर दो, यू कैन आल्सो क्लेम ट्रेडमार्क ऑन दैट। सो प्लूटोनाइज कैसे आया सर, जो मैंने इसकी हिस्ट्री पढ़ी है, प्लूटोनाइज कि पहले 9 ग्रह थे ना सर हमारे, 9 ग्रह थे, कितने हो गए सर बाद में, 11 हो गए मेरे ख्याल, आई थिंक 8 सर, नहीं सर रिसेंटली 8 है, नहीं अब रिसेंटली 8 है, लेकिन क्यों हो गए सर 8, पहले 9 थे हमने सर, उसकी प्लूटो फ्रेमवर्क में नहीं आता जो ग्रह को डिफाइन करते हैं। जी जी, क्योंकि उससे दो बड़े भाई और मिल गए प्लूटो में सर, मैं तो 10वीं 12वीं तक प्लूटो तक 9 पढ़ते आए थे, अब बाद में बताया कि 11 हो गए, फिर 11 से अब 8 हो गए, बड़ी द हिस्ट्री बिहाइंड दैट, कि अब क्या होगा कि उससे दो बड़े भाई मिल गए तो तीनों को ही हटा दिया, कि प्लूटो तो बहुत छोटा है, तो क्या हुआ कि अब नया वर्ड क्या आ गया, प्लूटोनाइज, कि जो पहले एग्जिस्ट था एक्सटिंक्ट हो गया, जो पहले एग्जिस्ट था उसको तो अब नया वर्ड आ गया डिक्शनरी में, आप देखोगे प्लूटोनाइज, तो प्लूटोनाइज नया इन्वेंट कर दिया गया वर्ड। तो जिसने भी किया है वो ही कैन क्लेम कॉपीराइट ओवर दैट इन डिक्शनरी ऑल दीस थिंग्स। तो इसके पीछे ये हिस्ट्री है सर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, इन चीजों में आप कह सकते हो कि वन कैन क्लेम अगर कोई स्पेसिफिक वर्क हुआ है तो। सो अब ये भी एक आपके सामने, मैं एक क्वेश्चन है आपके सामने, ये केस हुआ था नजमा हेपतुल्ला, तो आपको पता ही होगा, राज्यसभा की भी चेयरपर्सन रही है। सो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद है, उनकी वो रही है, नाती रही है, जो भी रही है, नाना जी लगते हैं जैसे भी है, एक आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर आप कोई नॉवल लिखना चाह रहे हो और आपको आप उर्दू जानते हो और आपका जो फ्रेंड है वो टाइप भी जानता है और इंग्लिश भी जानता है, वो ट्रांसलेट कर रहे हैं, जनरल बता रहा हूँ, सो कैन ही क्लेम कॉपीराइट, जो आपके टाइपिस्ट है वो आप बताते जा रहे हो, लिखता जा रहे से टाइप करता जा रहा है, कैन ही क्लेम कॉपीराइट ओवर दैट, आप उसको कॉपीराइट में हिस्सेदार बनाओगे। इस केस में तो अलग फैक्ट्स है, लेकिन जनरल मैं आपसे बात पूछ रहा हूँ कि आप इंग्लिश उर्दू जानते हो, इंग्लिश नहीं जानते, आपने टाइपिस्ट को बोलते जाते हो, उसको इंग्लिश भी आ रही है और टाइप भी करता जा रहा है, कैन यू गिव एक्नोलेजमेंट, की बात नहीं कर रहा मैं सर, कॉपीराइट की बात कर रहा हूँ। हाँ जी जगमोहन सर, विजय सर बैठे, आई थिंक सुरेंद्र सर कुछ कह रहे हैं,
नो सर नहीं मिलेगा जी। वो डिपेंड करता है सर कि जिससे आप करवा रहे हो वो आपके रिलेशन में है तो वो मॉरल फैक्टर आ जाएंगे कि हाँ होना चाहिए। एक्नॉलेजमेंट कर दो सर, आप प्रीफेस में या उसमें आप एक्नॉलेज कर दो कि इसने मेरी हेल्प की है टकलीज और इसको उसको पेमेंट दिया तो आपने, ही इज एम्प्लॉई ऑफ यू सर। अगर आपके टाइपिस्ट वो कर रहे हैं तो आप टाइपिस्ट का थोड़ी नाम डाल दोगे आप स्टार्टिंग में अपनी पीएचडी में, सिर्फ एक्नॉलेज कर दोगे कि इज हेल्प इन मी टाइपिंग, बेस्ट टाइपिंग की है उसने। तो इसके फैक्ट्स तो अलग थे, लेकिन हाँ मैं जनरल एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें तो अलग था कि इन्होंने इंडिया विंस फ्रीडम लिखी थी अब्दुल कलाम आजाद ने, और कुछ चीज ऐड करनी थी और बाद में काफी कंट्रोवर्सी होगी, और जो ओरिएंट लॉन्गमैन था उनको पब्लिशर राइट थे। तो नजमा हेपतुल्ला जो इनकी जो रिलेटिव थी, सी एज फाइल्ड केस फॉर द कॉपी राइट की मेरा कॉपी राइट इसके ऊपर बनता है, वैसे नहीं बनता, थोड़ा मैटर ज्यादा है सर, मैं थोड़ा थोड़ा आगे बताता जाऊंगा, आप देख सकते हो ये सर इस स्लाइड को देखोगे, द पर्सन हु हैज क्रिएटेड दिस वर्क, वो कह रहा है कोई भी यूज कर लो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसमें डाल देना सर द बैटल ऑफ कॉपीराइट इंटरनेट पे, इसने क्या लिखा हुआ है, जितना भी हमारा पब्लिक डोमेन का वर्क था कॉर्पोरेट सेक्टर उठा उठा के फ्री कल्चर का सारा क्या बना दिया सर, कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म बना दिया सर। कैसे इसको आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हो कि जैसे मैं बता रहा हूं कि अगर आप कोई चीज पब्लिश करते हो, आप कोई अच्छे स्प्रिंगल में या कोई भी अच्छी जर्नल्स है वहां पे आप पब्लिश करते हो, तो चलो मान लो फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो गया, पेड नहीं हुआ आपका तो, लेकिन अब कोई भी डाउनलोड करेगा तो उसको कितने डॉलर देने पड़ते हैं सर, $40-50 देने पड़ते हैं। अब ये सारा का सारा कॉपीराइट किन का हो गया सर, उन कंपनीज का हो गया कि नो वन हैज परमिशन टू पब्लिश दैट वर्क विदाउट द परमिशन ऑफ स्प्रिंगल या जो भी आपका ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन है, रूपा पब्लिकेशन, जितने भी मेरे पास मान लो बुक भी पड़ी हुई है, जो भी है इनके ऊपर देखोगे तो अगर आप आपने आर्टिकल डाउनलोड करना है तो $35 देने पड़ेंगे आपको। सो व्हाट इज गोइंग ऑन, सो ये जो है स्लाइड ये आपको ये बता रही है कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी कॉमर्शलाइज्ड या कॉमेडिफाई, उसको प्रोडक्ट बना दिया गया नॉलेज को भी इसमें। सो नाउ हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हम फोटो कॉपी करवाते हैं, जैसे आपने देखा होगा मैं वहां पे गया भी हूँ और उनकी परमिशन से मैंने फोटो खींची थी, कहाँ गए वो, ये एमडीयू के या नेकीराम कॉलेज के, आप देख सकते हो सर, गए हो सेंट्रल लाइब्रेरी में, सेंट्रल लाइब्रेरी में गए हो एमडीयू? हाँ जी सर, ये भी जय है वहाँ कॉपी करता है। हाँ देखो सर आप नाम भी जानते हो और मैं भी 10-20 साल से मैं भी देख रहा हूँ सर, सर इसने 10 मशीन रखी होंगी और इनके पीछे बुक्स पड़ी रहती है, इनको रोटी खाने का टाइम नहीं होता सर। Just, I am giving example of MDU, ऐसे HEU भी होगी कुरुक्षेत्र और कितनी सारी यूनिवर्सिटीज, कितने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में फोटोकॉपिंग हो रही है, और इफ यू टॉक अबाउट होल इंडिया, इफ यू टॉक अबाउट द होल वर्ल्ड, तो कितने बिलियंस कॉपीराइट हो रही हैं तो विदाउट परमिशन ऑफ द पब्लिशर। सो हाउ दिस इज पॉसिबल, दैट इज ए क्वेश्चन ऑफ कंसर्न फॉर ऑल ऑफ अस। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये तो मैंने जर्नल एक बताया कि आप लोग थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे हैं, लेकिन अब हाउ दे आर अलाउड अंडर दैट, ये मैं आपको चीज दिखाता हूँ और एक लेटेस्ट केस और आपको मैं बताता हूँ। इसमें सर एक डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ फेयर यूज, जहां पे स्टूडेंट्स आर अलाउड टू यूज फॉर दैट। कैसे? अब इसमें देखो आप कि यू कैन यूज द कॉपीराइट मटीरियल विदाउट परमिशन ऑफ कॉपीराइट ओनर, आप कुछ भी यूज कर सकते हो सर, बीइंग एन एकेडमिशियन, बीइंग ए टीचर, बीइंग ए रिसर्चर, ठीक है सर। और पर्सनल यूज के लिए कोई भी सीडी आप खरीद के लाती हो तो उसके ऊपर क्या लिखा होता है सर, स्लाइड के मैं एक बार लिख भी देता हूँ, कहाँ गया, ऐसे लिखा होता है सर, सी कॉपीराइट तो है ही, फॉर पर्सनल यूज ओनली, ठीक है सर। आप देखते हो कहीं आपने आकाश के नोट्स देखे हो, फिट जी के देखे हो, तो उसमें लिखा होता है फॉर प्राइवेट सर्कुलेशन ओनली, जो जो फिट जी के स्टूडेंट हैं उनको वो नोट्स दिए जाते हैं प्राइवेट सर्कुलेशन के लिए। और अगर आप कोई सीडी या डीवीडी या कोई भी चीज खरीद के लाती हो सॉन्ग्स की, मूवी की, उसके ऊपर क्या लिखा होता है, फॉर पर्सनल यूज ओनली, ये होता है ना सर। सो एज पर सेक्शन 52 ऑफ इंडियन कॉपीराइट एक्ट, दीज थिंग्स आर अलाउड विदाउट परमिशन ऑफ ऑथर। अब इसमें लिस्ट में एक बार देख लेते हैं कि व्हाट थिंग्स आर अलाउड, पर्सनल यूज यू कैन गो फॉर दैट, एकेडमिक एंड रिसर्च पर्पज, जैसे मैंने कोई स्लाइड उठा रखी है, आई एम एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इन्फ्रिंजमेंट सर, मेरे ऊपर केस नहीं कर सकते
अगर मैं अपने स्टूडेंट के लिए कोई मूवी दिखा रहा हूँ, एकेडमिक पर्पज के लिए दिखा रहा हूँ, या फिर टीचिंग के लिए क्लास में कोई दिखा रहा हूँ, दैट इज अलाउड फॉर्मेट. द बेसिक थिंग इज दैट इट शुड नॉट बी फॉर प्रॉफिट. सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर ये आ गई आपकी, प्रॉफिट के लिए नहीं होना चाहिए सर ये. अगर प्रॉफिट में कर लिया दैट इज क्या हो जाएगा, कॉमर्शलाइज हो जाएगी. सो पर्सनल यूज सेक्शन 52 कह रहा है यू कैन यूज फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च पर्पस. यू कैन क्रिटिसाइज एनीथिंग. आपने कोई बुक खरीदी है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, यू कैन क्रिटिसाइज दिस बुक. आप यू कैन राइट आर्टिकल ऑन दैट, दैट इज ऑल्सो अलाउड. इसमें से कंटेंट में भी बता सकते हो उस आदमी ने ये चीज किया. रिव्यू कर सकते हैं सर, बुक रिव्यू. आपको इसमें FDP में लास्ट में आपको कहा जाएगा बुक रिव्यू करके सबमिट करवाओ. तो आप कोई बुक पढ़ोगे उसके बारे में लिखोगे, आप लिख सकते हो इस ऑथर ने अच्छा काम नहीं किया. सो मेनी टाइम्स इन आवर मेरे बचपन में ट्रिब्यून में सर संडे को मूवी रिव्यू आता है एक बीच में संडे ट्रिब्यून में. और कई बार क्या फ्राइडे को मूवी रिलीज होती थी, वो संडे को आ जाता था. तो हमारे कई फ्रेंड थे वो रिव्यू देख के उसमें स्टार 5 में से 2 दे रखे थे, किसी को 5 दे रखे थे, किसी को 3 दे रखे थे 5 में स्टार. तो हम कई बार मूवी उसको देख के देखते थे कि इसमें 2 स्टार है तो हम देखेंगे नहीं, 5 स्टार है तो जरूर देखने जाएंगे. सो नाउ सलमान खान और कपिल शर्मा ने किसी को पीट रही है सर अभी पीछे कि हमारा रिव्यू तुमने गंदा क्यों लिखा है. ठीक है सर, सलमान खान की मूवी का रिव्यू किसी ने अच्छा नहीं लिखा, किसी वो जो ये जो होते हैं फिल्म क्रिटिक्स होते हैं, तो वो तो उसको काफी सुनाया भी, पता नहीं पीटा भी सर उसको. सो सच टाइप ऑफ थिंग्स आर अलाउड अंडर द कॉपीराइट एज पर लॉ. मेन थिंग इज देयर एंड नेक्स्ट थिंग इज हियर जो मैं बता रहा हूँ उसमें करंट इवेंट्स सर, जैसे कोई बाढ़ आ गई है, कोई नेचुरल इवेंट, कोई हैपनिंग हो गया है, एवरीथिंग इज अलाउड अंडर दैट. सो न्यूज रिपोर्टिंग इज ऑल्सो अलाउड. नाउ लेजिस्लेटिव जो विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, जितने भी प्रोसीडिंग्स उनके जो हैं, ये प्रोसीजर गलत है, प्रोसीडिंग्स हैं, दे आर अलाउड अंडर दैट. अगर आप डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में चले जाओ, आई एम दिस मेंबर, आई थिंक 25 साल से मैं मेंबर हूँ डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी रोहतक का सर. पहले DC ऑफिस में होती थी, अब आजकल हुड्डा कॉम्प्लेक्स में चली गई मान लो. तो सर वहाँ पे गवर्नमेंट गजट्स आते हैं कच्चे पेपर पे ना, आपकी जितने भी कॉलेज में अपॉइंटमेंट हुई है सर आपकी, या कितनी रेन हुई है, किस डिस्ट्रिक्ट में हुई है, कितने MM रेन हुई है, सारी की सारी सर डाटा डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में आता है. आपकी अपॉइंटमेंट की भी सर इतने लोग इसमें लगे हैं कॉलेज कैडर में, सारी की सारी सर एक हरियाणा गवर्नमेंट की गजट्स आते हैं पुराने, वो उन्होंने फेंक रखे हैं ऐसे. तो कई बार मैं खोल के देखता था कितने एकड़ कितना ये कहेंगे ये जो खसरा चेंज हुआ है, या फिर आपने क्या कहते हैं कनाल मरले किसने एक्वायर कर लिया गवर्नमेंट, सब डिटेल आता है सर. कहाँ पे रोड बन रहा है, कितनी एक्वायर हुई है, कितने गवर्नमेंट टीचर लगे हैं, कितने ट्रांसफर, वो सारा गवर्नमेंट गजट में आता है. तो जितने भी प्रोसीडिंग्स हैं सर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की, विधान परिषद की, या फिर जुडिशरी की सर, यू आर अलाउड टू यूज फॉर बिकॉज इट इज ए गवर्नमेंट वर्क. ठीक है सर. सो गवर्नमेंट वर्क यू आर अलाउड विदाउट परमिशन, बट not for commercialized purpose. You can use government work for your own personal work. That is comes under that. तो इसमें सबसे important है सर हमारे लिए जो मैं कह रहा था photocopy allowed है नहीं है कुछ भी है, ये आप यहाँ से देख सकते हो section 52 of Indian Copyright Act 1957. अब सबसे बड़ी बात सर इसमें, do you know this lady? जानते हो सर ये, क्योंकि आप नए हो इस फील्ड में. जितने भी आपने पेड पेपर लेने हैं सर, कितने भी बुक्स आपने डाउनलोड करनी है सर, गूगल पे तो मिलेंगी नहीं. जितने भी फ्री आपने बुक्स डाउनलोड करनी है, क्योंकि सर इसके ऊपर केस कई हो चुके हैं और $1 बिलियन इसके ऊपर जुर्माना लग चुका है, लेकिन ये लेडी डरती नहीं है. दिल्ली हाई कोर्ट में अभी 22 दिसंबर को ही केस हुआ था, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, और सबसे पहली स्लाइड यही थी क्योंकि मेरा 28 को लेक्चर था, 28 दिसंबर को पिछले FDP में. तो दिस लेडी आप देख सकते हो, आप स्काई हब आप डाल सकते हो, आप किसी ने देखो है तो इलीगल ये यूज करना, लेकिन आप देखोगे SCIHUB स्काई हब, इसमें आप कोई भी आप पेपर डाउनलोड करना हो आपने, तो यू कैन, उसका क्या होता है एक नंबर होता है सर हर पेपर का, उस पेपर का कौन सा नंबर होता है आप देखना, यहाँ पे ये मांगे सर नंबर, इसका एक ब्लैंक वो आ जाएगा कॉलम, उसमें आप पेस्ट कर दोगे, आप एंटर डालोगे, तो वो पेपर चाहे $50 का है, यू कैन फाइंड दैट पेपर ऑन द स्काई हब सर. एक और है लिबजेन भी है, 2 वेबसाइट है, पायरेटेड मटेरियल पूरे वर्ल्ड का, कितने भी पेड जर्नल्स हैं, यू कैन फाइंड ऑन दिस. लेकिन क्या हो गया, दिस इज इलीगल,
इस लेडी के ऊपर यूएसए में भी फाइन लगा रखा है। अब हर जो इंडियन जो हमारे हम जो भी रिसर्चर है, हम सर $40 का तो मैं भी नहीं खरीद सकता। कोई एक पेपर है $40, मतलब क्या हो गया 2800 रुपया 3000 रुपये का, और मान लो 5 पेपर मैंने डाउनलोड करने पड़ गए तो मैं तो 15,000 नहीं भरूंगा सर। आगे और एग्जाम्पल दूंगा, जो एमडीयू के हमारे यहाँ जितने भी केस हुए हैं, तो दिस वाज द मेन थिंग जो हम कहते हैं कि दिस। अब केस हुआ लेकिन इसको मना कर दिया गया कि आप इस केस का नाम लिख सकते हो एल्सवेयर लिमिटेड। तीन चार कंपनीज इकट्ठी हो गई सर, प्राइवेट कंपनी जो पब्लिशर है, दिए इस लड़की का नाम है एलेक्जेंड्रा एल्बाकिया। आप देखोगे तो ये उसके ऊपर आ जाएगा सर, और लिपजेन पे भी। इस लेडी के ऊपर केस डाल दिया, उसकी यंग की फोटो है ये वाली, और ये अब थोड़ा एज हो गई है, इसके ऊपर बिलियंस डॉलर, इसके ऊपर इम्प्रिजनमेंट की भी सजा दे रखी है इसको। लेकिन सी डेयर टू पब्लिश, सी डेयर टू अपलोड, इसके पास सॉफ्टवेयर है, सी इज एन इंजीनियर इन आई थिंक ये अफगानिस्तान से अगली कंट्री है वहां पे सर, वहां की लेडी है ये डर नहीं रही, आई थिंक अफगानिस्तान की है, नेक्स्ट और है कोई, अब कोई और कंट्री है साथ में। सो सी डेयर टू अपलोड एवरी लेटेस्ट जर्नल और पेपर, इसके पास सॉफ्टवेयर ऐसा ही है, ये पायरेटेड सारे डाल रखे हैं। लेकिन हमारे जैसे जो लोग हैं सरकारी या जो सेंट्रल लाइब्रेरी एक्सेस नहीं कर सकते यूनिवर्सिटीज के, सो दे कैन डाउनलोड द पेपर फ्रॉम दैट, दैट इज गुड थिंग। लेकिन अब जो प्राइवेट पब्लिशर हैं, दे फाइल्ड केस ऑन देम कि ये तो गलत कर रहे हैं, ये गलत कर रही है, तो अब हाई कोर्ट ने इसको स्टे लगा दिया और कह दिया आप डाउनलोड पुराने कर सकते हो। लेकिन 22 दिसंबर के बाद के जो भी लेटेस्ट अमेरिका यूके डेवलप कंट्री में पेपर पब्लिश हुए हैं, वो इनके ऊपर बैन लगा दिया कि आप लेटेस्ट पेपर अपलोड नहीं करोगे, और इन्होंने अपना एफिडेविट दे दिया इसमें। दिल्ली हाईकोर्ट की बात है सर ये, ठीक है सर। एक तो ये केस आप देख सकते हो इंटरनेट पर जाके। दूसरा कुछ इंटरेस्टिंग केस मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, दिस इम्पोर्टेड केस विच इज इंटरेस्टेड एंड रेलिवेंट फॉर ऑल ऑफ अस, ऑथर गिल्ड वर्सेज गूगल इनकॉर्पोरेशन। सो गूगल पे आप देखते हो सर, गूगल पे हम डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन गूगल बुक्स आर देयर, गूगल बुक्स का एक है ना पेज, आप गूगल बुक्स देख सकते हो कितनी सारी अपलोड कर रखी इन्होंने, ठीक है सर, गूगल बुक्स पे। लेकिन आप प्रिंट आउट नहीं ले सकते, सबसे बड़ी बात है। गूगल बुक्स के ऊपर बीच में कई बार लिखा आता है दीज पेजेज आर लेफ्ट इंटेंशनली। आपने किसने खोली है सर, अभी नए नए हो आप एकेडमिक फील्ड में, किसने खोला है वेबसाइट गूगल बुक्स? जी सर। कोई, हाँ जी खोला, लेकिन सर सारी बुक मिल जाती है उसके ऊपर डाउनलोड? नहीं सारी नहीं मिलती सर, ये लिखाता है आप जो बता रहे हो पेजेज लेफ्ट का, पेजेज आर लेफ्ट इंटेंसली जानबूझ के। सो ये क्या हुआ सर, ऑथर गिल्ड का मतलब है, गिल्ड मींस एसोसिएशन, जैसे हम टीचर एसोसिएशन, तो हम लिख लें टीचर्स गिल्ड, तो एसोसिएशन ऑफ ऑथर है। सो दिस गूगल बुक्स जो गूगल कंपनी इनकॉर्पोरेशन है, इन्होंने क्या किया, दिस कंपनी हैज मेड ए कॉन्ट्रैक्ट विद द वर्ल्ड बेस्ट लाइब्रेरीज, यूके यूएसए वाशिंगटन यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की, वी विल गिव यू $1 बिलियन, जितने भी बुक्स पढ़ी हैं आपकी 1900 से लेके 1800 से लेके जितनी भी पुरानी है, हम सारी की सारी स्कैन करना चाहते हैं, और सारी की सारी हम ऑनलाइन डालना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पे गूगल बुक्स के नाम से। गूगल कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उनको भी अच्छा लगा कि हमें तो $1 बिलियन मिल गए। नाउ उनकी परमिशन से गूगल ने स्कैन करवाना स्टार्ट कर दिया, सारी पुरानी बुक्स पढ़ी है उनकी जितनी भी, मान लो एक एक कॉपी पढ़ी है, उनके ऑथर्स भी मर चुके हैं। नाउ व्हाट वाज हैपन, सम ऑथर्स हु सोल्ड देयर बुक्स टू पब्लिशर, या पब्लिशर ने लाइब्रेरी में दे रखा है, दे आस्क्ड देम कि विदाउट आवर परमिशन हाउ इट इज पॉसिबल, कि हमारी परमिशन तो ऑथर्स की ली नहीं है, आप कैसे अपलोड करवा सकते हो हमारी बुक्स अब उस पे। नाउ गूगल बुक्स ने कहा कि अगर किसी को ऑब्जेक्शन है, वी आर रेडी टू गिव $20 पर ऑथर, अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो हम उनकी पेमेंट कर देंगे, अगर फिर भी नहीं मान रहे तो हम आपकी बुक रिमूव कर देंगे वेबसाइट से। और कोई भी बुक आप कोई भी रोहतक जाते हो, संसार बुक डिपो वाला है, यूनिवर्सिटी बुक डिपो वाला है, हम जाके क्या करते हैं सर, जाते ही पैसे देते हैं और बुक लेके आ जाते हैं, ऐसा तो नहीं होता, बुक डिपो जाके हम बुक को खोल के देखते हैं, आगे पीछे देखते हैं, कंटेंट देखते हैं, 2-4 मिनट लगाते भी हैं, ये नहीं कि इंग्लिश की बुक खरीदने गए, हिंदी की खरीद के लिए, अंदर हिंदी हुई, हमारा सिलेबस ना हो। तो सिमिलरली गूगल इनकॉर्पोरेशन ने कहा कि वी आर गिविंग द स्निपेट्स, हम पूरी बुक्स नहीं डालेंगे कभी भी, हम स्निपेट्स डालेंगे, बीच बीच में बुक्स के पेज छोड़ देंगे, अगर कोई देखना चाहते हैं, आई बिलोंग टू बीपीएस वेमन यूनिवर्सिटी खानपुर,
अब ये फायदा क्या हो गया कि अगर मुझे अमेरिका के किसी की मान लो लॉ एंड इकोनॉमिक्स की या जस्टिस पोस्टनर की बुक देखनी है मैंने या मैंने मंगवानी है, तो आई हैव, अब गूगल बुक्स के साथ देखोगे सर, देर इज वन लिंक bookcart.com, flipkart.com. अगर मैं खानपुर में रह के मंगवाना चाहता हूँ, मुझे बुक अच्छी लगी है उसमें गूगल बुक्स के ऊपर, तो आई कैन गिव दैट ऑर्डर ऑल्सो. ठीक है सर, तो ये कहा, और आपकी पब्लिसिटी भी हो रही है पूरे वर्ल्ड में. तो इन कीपिंग ऑल दीज व्यू, उन्होंने क्या किया, यूएस की सेकेंड सर्किट कोर्ट ने केस वाज पास्ड इन फेवर ऑफ जर्नल पब्लिक या गूगल कंपनी के फेवर में किया कि आप अपलोड कर लो जितनी बुक्स करनी है, अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो उनकी बुक्स रिमूव कर दो. उन्होंने तो अच्छा किया कि वो आप सबके पास एक्सेसिबिलिटी होगी, जितनी भी बुक्स हैं, पुरानी बुक्स पढ़ी हैं, 200-200 साल पुरानी बुक्स पढ़ी हैं, और साथ में एडवर्टाइजमेंट भी होगी उस ऑथर्स की. सेकंड, अगर किसी ने ऑर्डर देना है उस बुक्स को खरीदना चाहते हैं, तो साथ में आप खोल के देखोगे गूगल बुक्स के साथ, तो लिंक भी दे दी है. सो दैट्स वाई सेकेंड सर्किट कोर्ट यूएस की है, दे हैव पास्ड दिस जजमेंट इन फेवर ऑफ अस या गूगल कंपनी के फेवर में. दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट केस फॉर दिस. सेकेंड, इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, ये दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का एक केस है, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है. इसका नाम है रमेश्वरी देवी, रमेश्वरी फोटोकॉपियर वर्सेस दिस, क्या कहते हैं, नहीं ये जो चांसलर एंड स्कॉलर्स ऑफ दिस कैम्ब्रिज और ऑल वर्सेस रमेश्वरी फोटोकॉपियर. ये क्या है सर, आप दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, आई विजिटेड 2-3 times, वहाँ पे दो चीजें फेमस है, एक तो ये लाइब्रेरी, एक ये फोटोकॉपी लाइब्रेरी तो है, टाटा रतन लाइब्रेरी अगर किसी ने विजिट की हो, साथ में सर फोटोकॉपी, और साथ में एक चाय का सर एक स्टॉल है सर, लोग वहाँ खूब डिस्कस करते हैं, आई विजिटेड, तो दो वहाँ पे फेमस चीजें बताइए. क्या हुआ कि दीज कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन है, कैम्ब्रिज वाले हैं, यूनिवर्सिटी प्रेस है, इन्होंने क्या किया है, वो एमडीओ पे केस करते तो कोई नहीं पूछता सर, उन्होंने बड़े हाथी को पकड़ लिया, दे हैव फाइल्ड केस अगेंस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, कि दे आर वायलेटिंग आवर कॉपीराइट. वहाँ पे क्या होता है सर, फर्स्ट सेमेस्टर के इकट्ठे नोट्स कंपाइल होके मिलते हैं, ईपीडब्ल्यू जितने भी आपकी अच्छी पब्लिशर हैं, अच्छे जर्नल्स हैं, उनके आर्टिकल जो उनके कोर्स वर्क में है, उनको कंपाइल कर करके रमेश्वरी फोटोकॉपियर सबको बांट दे देते हैं सर, 200 रुपये, 500 रुपये, 100 रुपये, जितने का ही है. बट दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने क्या कर रखा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि 3000 फोटोकॉपी हमें फ्री देगा हर महीने, जो उनके ऑफिशियल्स है, जो प्रोफेसर है, 3000 फोटोकॉपी फ्री देगा, और बच्चों के लिए 35 पैसे या 40 पैसे की फोटोकॉपी पर पेज करके देगा. तो रमेश्वरी फोटोकॉपियर ने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा वो होता है सर, वहाँ पे फोटोकॉपी होती है, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल लाइब्रेरी रोहतक में होती है, एमडी यूनिवर्सिटी में. सो व्हाट वाज हैपन हियर कि उन्होंने केस अब फाइल कर दिया, दिस इज प्योर वायलेशन ऑफ आवर दिस कॉपीराइट, जो पब्लिशर ने कहा, ये आप नेट पे केस देख सकते हो, बड़ा इंटरेस्टिंग है. तो अब क्या हुआ, दिल्ली हाई कोर्ट ने टीम बनाई वकीलों की, या जैसे कई बार हम प्लॉट के लिए टीम बनवाते तो पटवारी को या तहसीलदार को भेजते हैं, तो वहां गए, वहां फोटोकॉपी की दुकान पे जाके देखा कि 200-300 फोटोकॉपी पूरी पूरी बुक्स, कईयों की अलग अलग पेज, कईयों के अलग अलग आर्टिकल, जो पेड आर्टिकल है वो सारे कंपाइल होके पड़े हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, अलग अलग पड़े हुए हैं, आप डायरेक्ट ले सकते हो. तो उनकी बुक वो क्या कर दिया, मतलब वो छापा लगा के एक बार उसको सील कर दिया गया, और सारी गिनी गई कि इतना वहां पे फोटोकॉपी हुई पड़ी ऑलरेडी. लेकिन क्या कहा गया, अब देखो कुछ कुछ एनजीओ और कुछ प्रोफेसर साथ में अपने आप जुड़ गए इस केस में. क्या कहा गया उन्होंने, प्रोफेसर ने, कि दिस इज वायलेशन ऑफ राइट टू एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन तो इसके बिना बिल्कुल नहीं चल सकती, कैसे, वी विल जस्टिफाई नाउ. कि क्या हुआ कि सर, अगर आपके लाइब्रेरी में अलाउ नहीं है, सो मेनी रेफरेंस बुक्स फॉर आल्सो देयर, जो हमें नहीं दी जाती थी हमारे टाइम भी, रेफरेंस यहीं बैठ के पढ़ो, टेक्स्ट बुक है वो घर ले जा सकते हो. तो आजकल जो हमारे पास क्या आ गया, मोबाइल आ गए, लेटेस्ट डिजिटल टेक्नोलॉजी है, हम जाके क्या कर सकते हैं, उसके अंदर बैठ के फोटो इसकी खींच सकते हैं, मोबाइल में स्कैन कर सकते हैं, स्कैन के साथ में क्या करूंगा फिर, उसका प्रिंट आउट ले लूंगा, प्रिंट आउट से आप मेरे फ्रेंड हो तो आप मेरे से ले लोगे, आपसे पूरी क्लास ले लेगी. सो उन्होंने ये कहा, दिल्ली हाई कोर्ट ने खुद कहा, जस्टिस एंड लो, बड़े अच्छे एक जजमेंट आई है सर, ये दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जस्टिस एंड लो ने वो बताया कि राइट टू एजुकेशन विल बी वायलेटेड इफ वी डिनाई. और सर एक और एग्जांपल देता हूँ, मेरी जूनियर ही थी, सॉरी टू से, ये एक बुक बड़ी महंगी आई थी, सी वाज आल्सो पार्ट ऑफ ओरिएंटेशन कोर्स इन खानपुर, वो वहीं पे बैठे थे, ये वंदना महलवार है, मेरी जूनियर है और हमारे प्रोफेसर साहब की बेटी है. तो व्हाट वाज हैपनिंग दिस,
ये मनोज कुमार सिन्हा सर इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर है और वंदना मेलवार साथ में एडिटर है बोथ ऑफ दिस कॉपीराइट लॉ इन डिजिटल वर्ल्ड ये स्प्रिंगल ने पब्लिश की आर्टिकल्स वर इनवाइटेड बाय ऑल ऑफ अस मेरे पास भी ईमेल आई वंदना की कि अगर आपने कोई आर्टिकल भेजना हो तो वी विल पब्लिश दैट आर्टिकल मैंने कहा ठीक है एक्चुअली मैंने भेजा नहीं आई एम नॉट ए गुड रिसर्चर जो मेरा खुद का मानना है तो मैं भेज ही नहीं पाया लेकिन थोड़े दिन में देखा कि बुक पब्लिश हो गई और इस बुक का अगर मैं आपको दिखाऊं रेट थे 11,764 रुपए 12,000 रुपए की किताब और पेज इसमें मैंने काउंट किए 328 पेज है सर इसमें ठीक है सर तो व्हाट वाज हैपन वंदना वाज पार्टिसिपेंट इन खानपुर रिकॉर्डिंग हो रही है तो आपकी तरह पार्टिसिपेंट थे फिजिकल कोर्स चल रहा था 4-5 साल पहले तो मैंने वंदना को कहा मैंने वंदना ये इतनी महंगी बुक कैसे आ गई जूनियर है मेरे जैसे तो कहते हैं सर हमने स्प्रिंगल को दे दी और उन्होंने सर इंटरनेशनल लेवल पे अच्छी पेपर लगा रखे अच्छे बाइंडिंग कर रखी है तो ये 12,000 की होगी तो बीइंग ए टीचर मेरी पे मान लो 1,00,000 रुपए भी है तो आई एम नॉट कैपेबल ऑफ बाइंग दिस बुक एट 12,000 रुपीज सर मैंने एट दैट टाइम आल्सो इन HRDC खानपुर मैंने कहा जिस दिन ये किताब मुझे लाइब्रेरी में मिल गई मैं 80 रुपए में फोटो कॉपी करवाऊंगा इसको सर क्या आप खरीद सकते हैं क्या स्टूडेंट खरीद सकते हैं आई एडवाइज हर कि यही किताब 800 रुपए की होती है ये सर मान लो बहुत अच्छी बुक है नॉलेज एज प्रॉपर्टी आई यहीं पे मेरे पास 20 किताबें पड़ी हैं कॉपीराइट के ऊपर सर मोस्टली सर मैं फोटो कॉपी करवा लेता हूँ बेस्ट से बेस्ट बुक्स हैं मैं 80 रुपए में मान लो 15,000 की या मैं केरला गया या बेंगलोर गया वहाँ पे सर 40,000 की किताब पड़ी हुई है डॉलर्स में मैंने 80-80 रुपए में फोटो कॉपी करवा रखी है उनकी तो मैंने उनको भी यही कहा कि अगर हम नहीं खरीद सकते तो हमारे स्टूडेंट कैसे खरीदेंगे सो फॉर दैट पर्पज कॉपीराइट शुड बी अलाउड जो मेरा भी मानता है तो सेक्शन 52 यही कह रहा है और जस्टिस एंडलो ने बड़ी अच्छी जजमेंट दी कि और ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी इन्होंने ये कहा कि हमें वन टाइम पर एनम रॉयल्टी देना स्टार्ट कर दो और आप जितनी 5-5 लाख रुपए जैसे MDVST को क्षेत्र 5 लाख रुपए हमें साल के दे दो और जितना मर्जी बच्चे फोटो कॉपी करवा ले उन्होंने कहा किसी ने माना ही नहीं देन दे हैव फाइल्ड अ केस फॉर हरासिंग दीज यूनिवर्सिटी लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी पे इन्होंने वैसे तो डराना चाह रहे थे लेकिन दोनों चीजें हुई उनके NGO भी आगे आ गई वकील भी अपने आप आके आ गए वहां के पास आउट आगे आ गए और वो केस डिसमिस कर दिया गया और देखो यहाँ की सोसाइटीज ने सुप्रीम कोर्ट में वो अपील फाइल की वहां भी केस डिसमिस हो गया सो बड़ी अच्छी जजमेंट है सर 100 पेज के आसपास है इफ यू यू वांट टू गो थ्रू इट यू कैन गो थ्रू दैट पर्टिकुलर जजमेंट ठीक है सर तो ये कुछ चीजें इंटरेस्टिंग है जैसे मैं MDU का केस मैं आपको बता देता हूँ रोहतक में भी केस हुआ था ये एक एलेक्जेंडर का केस इंपॉर्टेंट है और एक इसमें होता है सर दिस एक मैं MDU का केस बता देता हूँ आप जानते होंगे इनको जी सर जगवीर राठी जगवीर राठी जी कल्चर कोऑर्डिनेटर हैं डायरेक्टर हैं हमारे कल्चर अफेयर के ही हैज रिटन वन पोएम सर कोर्ट में कुत्ता सर ही हैज रिटन वन पोएम कोर्ट में कुत्ता और अमिताभ बच्चन ने अपने ट्विटर पे वो डाल दी सर फेसबुक पे भी ट्विटर पे और लिख दिया कि दिस इज रिटन बाय अमित कुमार ऑफ बिहार ये कुछ सिंपल से फैक्ट्स है मैंने वकील से भी मिला हूँ एक हमारे मोर साहब है जोगेंद्र मोर जाट कॉलेज में उन्होंने एक लीगल नोटिस भी भेजा जनरल में बात कर रहा हूँ आपसे कि क्या फैक्ट्स थे और अभी पीछे एक किसी बुक डिपो पे भी लक्ष्मी पब्लिशन जो बीएड के नोट्स बनाता है दे हैव आल्सो फाइल्ड अ केस छापा लगाया गया मेडिकल मोड पे कि उन्होंने क्या करते थे फोटो कॉपी फटाफट कमर्शलाइज कर देते थे क्या नाम है सर अपना लेट हो जाओ तो सर मुझे बता देना थोड़े से इंटरेस्टिंग है हमारे जो केस हमारे से रिलेटेड है अभी पीछे मैंने रोहतक भास्कर में पढ़ा लक्ष्मी पब्लिशर जो बीएड के जो होते हैं नोट्स हैं वो दुकानदार क्या करते थे कोई लेने आए तो 200 के हैं फटाफट जाके फोटोकॉपी करवाया 70-80 रुपए में वो नोट्स दे दिए उनको पता लग गया सो उनके अगेंस्ट FIR भी हो गया कुछ मैं नाम नहीं बताना चाहता आप देख सकते हो नेट पे भी सो व्हाट वाज हैपन हियर क्योंकि ये जो कौन सा मैं बता रहा हूँ इसमें जिस जगवीर राठी का तो दे है वो आस्क दिस ऑफिस जो ऑफिस में प्रॉपर ऑफिस था वहां पे फोन भी किया जगवीर राठी के कौंसिल ने और वो नहीं माने जैसे भी दे सर्वड लीगल नोटिस और इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन हियर कि अमिताभ बच्चन ने जगवीर राठी से माफी मांगी ऑन द इंटरनेट ऑन द दिस पर्टिकुलर ट्विटर पे भी माफी मांग रखी सर जस्ट ही हैज रॉन्गफुली एक्नोलेज द नेम ऑफ विद समवन एल्स जगवीर राठी का नाम नहीं लिखा और उनका किसी और का अमित कुमार का लिख दिया सर यू कैन गो टू इंटरनेट आल्सो उन्होंने पर्सनल उनसे भी बात की एडवोकेट जो इन्होंने हायर किया था फिर किस दिल्ली जो
30,000 में हमारे एमडी यूनिवर्सिटी के पास आउट है, जज सेशन जज बने हुए, उन्होंने कहा कि महासदी के महानायक है हमारे, पिछली सदी के महानायक है, इनके ऊपर ऐसे केस मत करो, वी आर इमोशनल, हम इमोशनल रहते हैं तो इनके ऊपर केस नहीं किया, अदरवाइज ही हैज मॉरल राइट, ही हैज ऑल्सो लीगल राइट टू फाइल अ केस अगेंस्ट दैट अमिताभ बच्चन ऑल्सो. तो उन्होंने माफी मांगी हुई है ऑन द ट्विटर ऑल्सो, ऑन द फेसबुक ऑल्सो, दिस फ्रॉम जगबीर राठी ऑल्सो. सो दीज आर सम केसेस जो इंटरेस्टिंग है, आप देख सकते हो. आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, हु इज द कॉपीराइट ओनर ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर, जनरल आपसे पूछना चाह रहा हूँ. सो इंटरेस्टिंग केस थे, बाकी और भी हैं. जी सर, ये बता सकते हैं? पहले मैं वो बता दूं क्वेश्चन पेपर का कि दिस दीज यूनिवर्सिटीज आर गिविंग 1200 रुपीज फॉर पर सेट. जैसे दो सेट आते हैं मेरे पास, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, एमडीयू तो कम भेजते हैं, सिरसा यूनिवर्सिटी है, जीजेयू है, ठीक है सर, और भी आ रहे हैं कई जगह से. तो दे आर गिविंग अस मनी ना, तो क्वेश्चन राइज हु इज द कॉपीराइट ओनर ऑफ दैट. यूनिवर्सिटी ने तो पेमेंट दे दी, लेकिन दो जजमेंट्स वर देयर, दो जजमेंट्स में ये कहा गया द टीचर्स, इवन दो उन्होंने कहीं से 5 मिनट में क्वेश्चन पेपर बना के दे दिया. कई बार हमारे पास टाइम नहीं होता, हम 10-15 मिनट में भी देते हैं, 2 दिन में भी दे देते हैं, 20 दिन में भी, 2-2 महीने भी कई बार पड़े रहते हैं हमारे पास अगर जल्दी आ जाए तो. तो नाउ द क्वेश्चन राइज कि हु इज द कॉपीराइट ओनर ऑफ दैट दीज क्वेश्चन पेपर, क्योंकि हमारे एकेडमिक फील्ड से काम है. मैंने पहले आपको बताया थीसिस है, डिसर्टेशन, टेक्स्ट बुक है, तो इसमें क्या है, वी आर द कॉपीराइट ओनर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, जो हु हैज रिटन द थिंग्स. नाउ इसमें जो है, अगर एक केस मैंने साथ में लिखा हुआ है तो, पर नहीं लिखा हुआ तो, एक जगदीश प्रसाद का है और दिस, ये रे, यू कैन नोट दीज टू केसेस, जगदीश प्रसाद वर्सेज परमेश्वर सिंह, और एक है अग्रवाल पब्लिशिंग हाउस खुर्जा वर्सेज बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यूपी. तो इन दो केस में आप देख सकते हो कि इट वॉज डिसाइडेड कि द टीचर इज द कॉपीराइट ओनर ऑफ क्वेश्चन पेपर, नॉट द अदर पर्सन, वी द टीचर. लेकिन आजकल यूनिवर्सिटीज भी स्मार्ट हो गई हैं, जो हमारे पास साथ में वो आते हैं, नाम लिखाते हैं जिसके ऊपर और टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उसमें ये लिख दिया गया कि कॉपीराइट ओनर ही होगा. लेकिन द क्वेश्चन ये, इसलिए मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन पेपर का, कि कई बार क्या होता है, जैसे संसार बुक डिपो वाले हैं, कोई भी है, वो पुराने 10 साल के क्वेश्चन पेपर इकट्ठे करके 10 ईयर्स बना देते हैं. कई बार आपने देखा होगा, हम तो दे आई पेपर हमने फेंक दिया क्वेश्चन पेपर, कईयों ने उठा के, जैसे कोई बच्चे ने उठा के 10 साल के इकट्ठे मिला के 10 ईयर्स बना दिए. अब किसी और कंपनी ने क्या किया, वो 10 ईयर्स उठा के उनको सोल्ड आंसर्स कर दिए, किसी ने एमबीडी गाइड बना दी उनके ऊपर. सो नाउ द क्वेश्चन राइज कि हु इज द कॉपीराइट ओनर ऑफ दैट. यहाँ पे ये चीज आ रही है कि किसी ने क्वेश्चन 10 ईयर्स बना दिया, किसने उनके आंसर लिख दिए, किसने गाइड बना दी. नाउ Everyone is the copyright owner of that. लेकिन starting में अगर question paper की बात करें, जो board of secondary education खुर्चा की थी, उन्होंने किसी और को contract दिया था question paper का, लेकिन किसी ने guide साथ में बना दी. Now अगर किसी ने, जैसे originality define नहीं की गई यहाँ पे copyright में, लेकिन यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो है main teacher is the copyright owner of that. इन दोनों केस में ये बताया गया था. So here some other cases are also there. जैसे इसमें भी मना कर रखा था, नागराज और नागेश आ गया, कि ये लग रहा है कि ये अलग है, हम बचपन में पढ़ते थे नागराज वगैरह की सीरीज, किसी ने नागेश बना दी. सो राधा कॉमिक्स वालों को मना कर दिया कि जो ये एक तरह से एक्सप्रेशन जो बना दिया गया, ये अलग कर दिया गया. आप एक और केस आप देख सकते हो, स्वयंवर आता था इसमें, अब टीवी पे देखो तो स्वयंवर जो था, किसी ने फर्स्ट टाइम स्वयंवर बनाया, माधुरी दीक्षित उसमें होस्ट करती थी, फिर मल्लिका वो राखी सावंत होस्ट करने लगी सोनी चैनल पे, तीसरा प्रमोद महाजन आ गया, वो करने लग गया, होस्ट करने लग गया. सो हर चैनल पे, जैसे आजकल एक वो आते थे अंताक्षरी, वॉइस ऑफ इंडिया, तो नाउ द क्वेश्चन राइज क्या स्वयंवर पे कॉपीराइट ओनर एक का हो जाएगा, जैसे कौन बनेगा करोड़पति आ रहा है, या फिर मास्टर शेफ इंडिया आ रहा है, मास्टर शेफ यूके है, मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया है, क्या इनके ऊपर कॉपीराइट हो सकता है, आपका क्या आंसर है? अगर पूरा का पूरा एक्सप्रेस कर रखी है चीजें, जैसे मास्टर शेफ इंडिया है तो उसमें वी आर गिविंग रॉयल्टी टू मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया यूके, उनका कंसेप्ट था कि ऐसे पूरी किचन बनाएंगे, ऐसे कोई होस्ट आएगा, ऐसे हम पार्टिसिपेंट बुलाया जाएगा,
कौन बने करोड़पति का पूरा पूरा सेट आप हु वांट्स टू बी मिलेनियर यूके का देखोगे और इंडिया का देखोगे, बिल्कुल सेम सेट है, वही की वही आवाज आती है. सो इफ वी आर टेकिंग द एक्सप्रेशन और कंसेप्ट फ्रॉम दैट, वी शुड पे टू देम और पे कर रहे हैं. लेकिन अंताक्षरी सॉरी स्वयंवर तो सीता माता का भी हुआ था, या हमारी जो द्रौपदी का भी हुआ था स्वयंवर. सो स्वयंवर इज एन एंशंट कंसेप्ट जो पुराने टाइम से आ रहा है, तो स्वयंवर पे किसी को भी कॉपीराइट नहीं मिला, कोई भी बनाई स्वयंवर के ऊपर सीरियल. एक ने कहा ना मैंने ये कंसेप्ट लिखा है स्वयंवर पे, ऐसे होस्ट बुलाएंगे जोड़े अगर बन सकते तो बनाएंगे. नो, कॉपीराइट इज नॉट ग्रांटेड टू स्वयंवर, जो केस स्वयंवर का हुआ था. लेकिन एक केस ये जो मैंने स्लाइड दिखाई है, ये एक हमने यहाँ पे बनाया करिश्मा का करिश्मा का करिश्मा, लेकिन एक बारबरा टेलर एक यूके की ऑथर थी, सी हैज रिटन ए बुक स्मॉल वंडर के नाम से. तो उसने कहा कि ये तो मेरा वायलेशन हुआ है, तो कहा कि ये तो सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई साइंटिस्ट है उसने घर में एक रोबोट बना दिया और अपनी बेटी की तरह रखता है, वो काम भी करती है. कॉमेडी सीरियल हम भी स्टार वर्ल्ड पे भी देखते थे, स्मॉल वंडर आता था, सहारा चैनल पे अलग आता था, दो तीन बार ये स्टार्ट हो गए थे कि साइंटिस्ट अपने बच्चे को, और फिर वो कॉमेडी स्टार्ट हो जाती है. सो दीज थिंग्स जो भी है, या कॉमेडी सीरियल्स कपिल शर्मा आ रहा है, किसी ने और बना लिया, सेट या वो एक जैसे ना हो लेकिन डिफरेंट कंसेप्ट से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, दे आर नॉट कवर्ड अंडर द कॉपीराइट. ठीक है जी. तो ये कुछ चीजें हैं जो इंटरेस्टिंग है हमारे लाइफ के अकॉर्डिंग है. जैसे अब ये देख रहा था मैं कल, एक लेटेस्ट बुक पढ़ी थी इसका, ओशो का, तो मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है कि इसकी 40 लैंग्वेज में 600 से अलग, और वेबसाइट्स और कितने सारी, इसकी बिलियंस डॉलर्स का कारोबार है. ओशो तो एक्सपायर हो गया, लेकिन आई हैव न्यूज़पेपर कटिंग ऑफ दैनिक भास्कर आल्सो, इसकी नकली वसीयत भी बना ली इनके फॉलोवर्स ने. और स्विट्जरलैंड की कोई कंपनी है ओशो इंटरनेशनल, वो कहती है सारा का सारा हमारा मोनोपली राइट हमारा है, लेकिन इसके भाई जो है इनके फॉलोवर्स है उन्होंने अलग वेबसाइट बना ली. अगर आप ओशो का देखोगे तो सुई से लेके आसमान तक सब कुछ इन्होंने सब चीजों के ऊपर लिखा हुआ है. अगर आप इनकी, मेरे पास 50 से 60 इनकी वो पड़ी होगी मैगजीन आती है, यस ओशो, मेरे फ्रेंड्स ने दे रखी है, ओशो इंटरनेशनल या पता नहीं कितनी है, ओशो धाम, सो मेनी दीज जो मंथली मैगजीन्स आती हैं. सो नाउ इनके करोड़ों का कारोबार है, तो इसलिए नकली विल भी बना दी. नाउ द क्वेश्चन अराइज कि जो भी बोल के जाते हैं साधु या कोई भी है, किनका राइट है उनके ऊपर. तो एक और गुरु थे ये साउथ इंडियन, तो इनके ऊपर तो भारत सरकार ने टिकट भी बना रखी है, इनके इतना सारा लिटरेचर पड़ा हुआ है, श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र, या ओशो का भी अगर आप देखोगे तो इनका इतना सारा करोड़ों का इनका जो लिटरेचर का बिजनेस चल रहा है, इनकी ऑडियो है, इनकी वीडियो क्लिप्स है, इनकी रिटन मटेरियल है, ऑल दीज थिंग्स आर कम्स अंडर दिस दिस कॉपीराइट. सो इनका कॉपीराइट माना गया है. और मैं जनरल एक थोड़ा सा बता दूं, वन दिस कंसेप्ट इज देयर कंपल्सरी लाइसेंसिंग, ये आप नोट डाउन कर लो अगर साइंस से बिलोंग करते हो, वैसे करते हो. सो कंपल्सरी लाइसेंसिंग कॉपीराइट में भी अप्लाई हो सकता है और पेटेंट में भी अप्लाई हो सकता है. अगर कोई भी पर्सन 3 साल तक, 3 इयर्स तक अगर कोई भी यूज ना करे कोई भी मोनोपली राइट, इन दैट केस व्हाट विल हैपन कि गवर्नमेंट कैन टेक दैट थिंग फ्रॉम हिम, गवर्नमेंट ले सकती है उससे वापिस बेसिक. तभी मैंने कहा दीज आर नॉट एब्सोल्यूट राइट, दीज आर लिमिटेड इन करेक्टर. ये लिमिटेड करेक्टर के हैं, ये नहीं कि आपको लाइसेंस दे दिया एक्टिवा चलाने का, आप कुछ भी करो उसकी, कितनी तेज चलाओ या कभी भी, नो, दीज आर लिमिटेड इन करेक्टर. तो कंपल्सरी लाइसेंसिंग इज वन रिमेडी इन आवर हैंड. एक दोहा डिक्लेरेशन हुआ था 2003 में, तो हमें ये दिया गया डेवलपिंग कंट्री, जैसे आज तक हमने एक ही बार यूज किया है 1970 से लेके 2020 तक. एक नाटकों का केस हुआ है जिसमें दवाई मान लो 8 लाख की है, तो बोले हम 10,000 रुपए देने को तैयार है 3 महीने की, जो एक नाटको कंपनी है उसको, नेक्स्ट सेटर एक दवाई है स्विट्जरलैंड की नोवार्टिस कंपनी की मान लो. तो फर्स्ट टाइम वन दिस कंपल्सरी लाइसेंस इज ग्रांटेड. एक और केस मैं बताना चाहूंगा कंपल्सरी लाइसेंस का, टी सीरीज का केस है मान लो, उससे आपको और अच्छा समझ आ जाएगा. कि जो एक रेडियो मिर्ची चैनल है जिस लखनऊ कानपुर का, सॉरी कानपुर में रेडियो मिर्ची ने इस टी सीरीज को कहा कि वी वांट टू प्ले यूर सॉन्ग्स ऑन नेट, मतलब अपने इस पे. तो कहते 5,000 रुपए पर सॉन्ग लगेंगे पर एनम के हिसाब से. वो कहते नहीं, हम 3,000 तो एक रीजनेबल रेट है. तो उन्होंने कहा नहीं, 5,000 से कम नहीं लेंगे. नाउ रेडियो मिर्ची हैज फाइल्ड केस अगेंस्ट सुपर कैसेट इंडस्ट्री, जो टी सीरीज का कैसेट कंपनी का नाम है सुपर कैसेट इंडस्ट्री. सो दैट कंपनी दिस रेडियो मिर्ची फाइल्ड केस, और कोर्ट ने क्या कहा, दिल्ली हाई कोर्ट ने, कि आप इनके खाते में जमा करवा दो, यू कैन प्ले द सॉन्ग एट द रेट ऑफ 3,000 रुपीज. ये क्या हो गया, दिस इज ए कंपल्सरी लाइसेंसिंग.
दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट राइट कि मैं लेके बैठता हूँ कॉपीराइट में किसी को दूंगा ही नहीं. फॉर द एक्सेसिबिलिटी एंड फॉर अफोर्डेबिलिटी, ठीक है जी, ये टू थिंग्स आर देयर ऑन विच बेसिस वी कैन गिव द कंपल्सरी लाइसेंस लाइसेंसिंग. अगर 3 साल तक वो मार्केट में चीज नहीं आती, मैं पेटेंट या कॉपीराइट लेके बैठ जाता हूँ, और या फिर मैं उसका एक तो एक्सेसिबिलिटी ना करवाऊँ, सेकंड उसकी अफोर्डेबिलिटी ना हो, कोई खरीद ना पाए. जैसे मैं कह रहा हूँ 12,000 रुपए की किताब है, मैं तो खरीद नहीं पाऊंगा. तो इन दैट बेसिस कंपल्सरी लाइसेंस कैन बी ग्रांटेड टू दैट पर्सन ऑल्सो. ठीक है जी, तो कुछ एक दो और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स हैं अगर आपने करना हो तो. इसमें एक तो रिमेडीज आप देख सकते हो, जैसे कुछ रिमेडीज है सिविल क्रिमिनल, जैसे आपके प्लॉट के लिए कोई आप केस करते हो तो स्टे ले सकते हो, इंजंक्शन हम स्टे को कहते हैं, आप उसके लिए डैमेज कंपनसेशन ले सकते हो, या फिर अकाउंट ऑफ प्रॉफिट हो सकता है, उसमें जितना भी उसने फायदा कमाया है तो उसका प्रॉफिट ले सकते हो इसमें. लेकिन एक जैसे नेहरू प्लेस में केस हो गया, अगर हम आईटी एक्ट की बात करें तो उसमें 1 करोड़ रुपए जुर्माना है. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है तो मैक्सिमम. एक लड़के ने मान लो 2 महीने पहले दुकान खोली है, उसकी सेल भी नहीं हुई 2-4 लाख की, उसके ऊपर 1 करोड़ रुपए जुर्माना लगा दिया. सो ही कांट डिनाई कि मैंने तो कमाया नहीं है, या फिर जितना प्रॉफिट कमाया वो तो हो गया अकाउंट ऑफ प्रॉफिट. या फिर होते हैं एग्जेम्पलरी डैमेजेस. एग्जेम्पलरी डैमेजेस होता है कि जैसे साउथ की आप पनिशमेंट ज्यादा दे दो उसके ऊपर जो उसने कमाया भी ना हो. सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन एग्जेम्पलरी डैमेजेस एंड अकाउंट ऑफ प्रॉफिट. अकाउंट ऑफ प्रॉफिट जितना प्रॉफिट कमाया वो एग्जेम्पलरी, जैसे सऊदी अरब में चोरी भी की तो हाथ काट देते हैं, दैट इज एग्जेम्पलरी डैमेज पनिशमेंट कि दूसरे उससे देख के डर जाए. सो फॉर दैट पर्पज ये कुछ आपकी ये चीजें हैं. इंफ्रिंजमेंट भी हो सकते हैं, फाइन भी हो सकते हैं, दोनों चीजें, या फिर सीज भी कर सकते हैं उनकी जितने भी इंफ्रिंजमेंट कॉपी है, ट्रेडमार्क कॉपीराइट में जितने भी आपके पास जो फोटोकॉपी है, मान लो नई सड़क पे आप जाते हो कितने सारे फोटोकॉपी की वो फोटोकॉपी बुक्स मिल रही है वहां पे, दैट इज आल्सो वायलेशन ऑफ दैट. जितने भी सीडीज कई बार मिलती है मार्केट में पायरेटेड मूवीज की, दैट इज आल्सो इंफ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट. ये आप इस चीजों में देख सकते हो आप. चलो ये अलग चीज है. तो इसमें लास्ट में मैं यही बताना चाहूंगा आप लोगों को कि जो भी इंटरफेस मैं बता रहा हूँ, आपने कोई एक मैडम जैसे एग्रीकल्चर उससे है, टेक्नोलॉजी से है, कोई इकोनॉमिक्स से है, कोई लॉ से है, वेदर यू बिलोंग टू फिजिकल एजुकेशन आल्सो. जैसे योगा के ऊपर कंट्रोवर्सी रही पीछे कि योगा के ऊपर कईयों ने पेटेंट लेना स्टार्ट कर दिया, वेदर यू बिलोंग टू ह्यूमन राइट्स आल्सो या डिफरेंट एस्पेक्ट्स आर देयर, एवरीथिंग इज रिलेटेड विद द आईपी. जैसे मैं बताऊँ आपको कि सुबह से लेकर रात तक हम क्या करते हैं, आईपी स्टार्ट करते हैं, आईपी यूज करते हैं. जैसे सुबह उठते ही मैंने टूथब्रश किया हमने, या हमने कोई साबुन लगाया आपने, दैट इज रिलेटेड टू ट्रेडमार्क आल्सो. और सोते तक चाहे कोई मोबाइल है हमारे हाथ में या जितने भी है, वी यूज थाउजेंड ऑफ आईपी मटेरियल इन आवर लाइफ, प्रोडक्ट इन आवर लाइफ इन पर्टिकुलर डे. और स्टार्टिंग से के लास्ट तक ये चीजें चलती रहेंगी. सो इट रिलेटेड विद एवरीवन, इट इज आल्सो रिलेटेड विद इकोनॉमिक्स, क्योंकि जो सर्विस सेक्टर के बाद आईपी इज गिविंग 35-40% ऑफ US जीडीपी जो आईपी कंट्रीब्यूट कर रही है. यू कैन सी द डाटा ऑन इंटरनेट आल्सो. सो आईपी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर द दिस इकोनॉमिक ग्रोथ आल्सो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आल्सो. तो ये आप इन्वायरमेंट से इसलिए मैं कह रहा था कि आप जो भी नई टेक्नोलॉजी आएगी, BS6 BS7 या जो भी है, सोलर एनर्जी का है या कोई और है, जो सब्सटीट्यूट दे दे, वो हमें इन्वेंशंस और पेटेंट ही दे सकते हैं. और कॉपीराइट आल्सो, जो मैं कोविड की एक स्लाइड मैंने बताई थी, कोविड की मैंने बनाई आपके साथ स्लाइड, तो वो आप देख सकते हो आ गया कोविड का. ये जो चीजें हैं, अब इस टाइम पे हम पेटेंट की बात नहीं कर सकते. वी शुड थिंक ऑफ पेटेंट पुलिंग कि स्विट्जरलैंड है मान लो, या डिफरेंट मेडिसिन जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, दे शुड कम टूगेदर एंड फाइंड सम बेटर सोल्यूशन फॉर दिस COVID-19 जो भी वैक्सीनेशन क्या है. और फेयर डीलिंग मैंने आपको बताया है कॉपीराइट लिटरेचर के बारे में. सो ऑल दीज थिंग्स वी कैन यूज फॉर द COVID-19 एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज इट इज मैटर ऑफ कंसर्न फॉर ऑल ऑफ अस. सो हाँ जी पवन सर, एनी क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ यू? ज्यादा ही लंबा ले लिया जी. पार्टिसिपेंट के अगर कोई ऑब्जर्वेशन या कोई डाउट या क्वेश्चन है, सो यू मे आस्क टू प्रोफेसर प्रमोद जी. हाउ इज ओपन फॉर द पार्टिसिपेंट. सर एक ही जिस तरह के कोई सॉन्ग है जी, वो सॉन्ग कोई एक व्यक्ति लिख रहा है, उसकी जो वर्डिंग है, लिरिक्स, स्क्रिप्ट है, लिरिक्स,
और उसको गा कोई और रहा है, तो इसके लिए क्या अलग अलग कॉपीराइट हो सकते हैं जिसने लिखा है और जिसने परफॉर्म किया है? तीन ज्यादा बिल्कुल ठीक है, जैसे स्क्रिप्ट के लिए कॉपीराइट पहले अलग लेते हैं, या इनकी सोसाइटीज बनी हुई है IPRS जैसे हम इंडिया में कहते हैं, इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी सर, ठीक है सर। अब आपने कितनी सारी कंट्रोवर्सी भी है कि मैंने मान लो कोई स्टोरी लिखी है, मैं डायरेक्टर को या प्रोड्यूसर को मिलने गया हूँ, तो उन्होंने मेरे को कहा नहीं हम नहीं बनाते, एक साल बाद उन्होंने बना ली सर मूवी थोड़ा सा चेंज करके, ठीक है सर। तो ये चीजें यस यू कैन गो फॉर द कॉपीराइट, जैसे मैंने बताया देर आर 8 सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉपीराइट। एक दूसरी चीज सर ये है कि जो स्कल्पचर है, जो मूर्तिकार है, वो कॉपीराइट कैसे ले सकते हैं? मान लो कि कोई एक मूर्ति है, कोई देवता की है, कोई पर्टिकुलर कोई जगह की है, तो वो तो कोई भी बना सकता है, वही शेप रहेगी, वही चीज रहेगी, तो उसमें थोड़ा सा बताइए। इसके ऊपर एक केस लो है, आपने देखा होगा भगवान एक शिव की एक वो थी सर, ऐसे खड़े थे वो है, फिर चेंज कर रहे थे, कोई सांप डाल दिया, कोई गंगा, सबने अपना अपना चेंज किया, लेकिन इसके ऊपर केस हुआ, एक आदमी था जिसने ये बनाया, सबसे ज्यादा सेल सर वही हुई है, हमारे घर में भी पहले थी, अब पुरानी होगी तो हमने फिर वो डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो अगर किसी ने बनाया, अगर केस हुआ तो मैं पवन सर को दे दूंगा, इसके ऊपर केस लो मैंने पढ़ा हुआ है सर, कि अगर आपने कोई पेंटिंग की है सर, MF हुसैन की एक एक पेंटिंग 5-5 करोड़ रुपए की बिकती थी सर, आपने देखा होगा, और सच बता सर हमें समझ भी नहीं आएगी कि वो पेंटिंग है क्या सर, ठीक है सर। सेकेंड चीज पिकासो की मैं एक स्टोरी बताना, रियल लाइफ की मैं बताना चाह रहा हूँ। पिकासो के पास पेंटर, आपने सुना होगा बहुत अच्छा था, वर्ल्ड रिनाउंड पेंटर था, उसके पास एक लेडी आई, कहते हैं कि दो पेंटिंग चाहिए मुझे तो, और काफी महंगी होती थी, वो कहता है दो तो नहीं अंदर जाता है एक है। उसने क्या किया सर, एक अंदर पेंटिंग थी उनका, मतलब दो करके ले आया सर उसको, एक की दो, मतलब एक को फाड़ के दो करके ले आया सर, और बाहर आके दे दी सर। सो इनकी जो आर्ट है वो हमारी समझ से बाहर है सर। अभी सलमान खान ने भी पीछे वो बनाया था, एक घोड़ा बनाया था सर, मुझे पहचान में नहीं आया वो घोड़ा या गधा है, सच बताऊं तो 50 लाख की उसकी भी बिकी थी, सच बता रहा हूं, आप देख लेना नेट पे भी पीछे, वो भी थोड़ी बहुत पेंटिंग करता है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू सर कि क्या आपकी आर्ट क्या है सर। MF हुसैन की भी पेंटिंग हमें समझ नहीं आती, हमने देखे, आप नेट पे भी देख सकते हो, पिकासो की पेंटिंग भी समझ नहीं आएगा सर, दे आर डिफरेंट आर्ट, और 5 करोड़ से नीचे बिकती नहीं है सर। आपका क्वेश्चन क्या था सर, मैं उसको फाइनल करूं, ये मूर्ति वाला ही था सर कि मूर्ति को कैसे हम करेंगे, कॉपीराइट करेंगे सर। तो इसमें स्पेसिफिक है, अगर आपने कोई बना रखी है, पहली बात मैंने बताया था मैंडेटरी नहीं है सर रजिस्ट्रेशन, ठीक है सर। अगर आपने कोई वो कर दिया तो दैट इज आल्सो ऑटोमेटिकली कवर्ड अंडर दैट, यू हैव टू प्रूव, बट इट इज एडवाइजेबल यू शुड गो फॉर द कॉपीराइट, आप करवाओ उसको रजिस्ट्रेशन, चाहे जितनी भी आपका फी लगती है, लेकिन आप अगर देखो कमर्शियल यूज में करोगे तो आपको करवाना चाहिए, लेकिन अगर आप प्रूव कर दो By different circumstantial evidence, जैसे आप कॉलेज में जा रहे हो सर, आपके पास आई कार्ड नहीं है तो गार्ड रोक दे, लेकिन आई कार्ड होगा तो आप दिखा दोगे, दैट इज जस्ट लाइक रजिस्ट्रेशन। लेकिन आई कार्ड नहीं है तो क्या कहोगे, बोले देखो सर प्रमोद सर जा रहे, पवन सर जा रहे, शेफाली मैम जा रहे, एक बार उनसे पूछ लो, मैं जानता हूँ मैं उनको, मैं रोज आता हूँ यहाँ पे, नया गार्ड आ गया सर। लेकिन आई कार्ड होगा तो यू विल प्रूव योर केस इजिली, लेकिन अगर नहीं है आपके पास आई कार्ड या रजिस्ट्रेशन नहीं है तो यू विल प्रूव बाय डिफरेंट सर्कमस्टांशियल एविडेंस कि देखो वो मैं रोज आता हूँ, वो लाइब्रेरियन हमारी ऐसे हैं, वो है, वो ऐसे है, तो सिमिलर केस इज हियर। लेकिन स्कल्पचर का आपको उसका प्रॉपर थ्रू फोटो खींच के जैसे भी यू कैन गो फॉर दैट कॉपीराइट सर, इसमें करवा सकते हो बिल्कुल 100% जैसे उनका हुआ सर। थैंक यू सर। जी जी प्लीज, एनी अदर क्वेश्चन? जी, एनी अदर पार्टिसिपेंट? जी, किसी के कोई और ऑब्जर्वेशन है इस विषय को लेके? नो, कोई एकेडमिक वर्ड में रोल? जी, और कोई ऐड ऑन करना चाहे, आप अपने व्यूज रखना चाहे, तो यू आर मोस्ट वेलकम। जो ये शीतल मैम से बताना चाहूंगा, जो वैसे किसने वो भी कर दिया कि जो बीटी प्रिंजल आ गया, कुछ भी आ गया, हाइब्रिड आ गई, एवरीथिंग इज नाउ कवर्ड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट राइट एंड फार्मर्स राइट एक्ट, ये जो चीजें आ गई है, जो ये GM फूड आ गई है सर, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, बायोटेक्नोलॉजी आ गई है, जो हमारे इंडिया की सबसे बड़ी है किरण मजूमदार शाह, वो बायोटेक्नोलॉजी सी IP के बेस पे सबसे बड़ी ये फॉर्म बन गया, आई थिंक बायो के नाम से, बायो साथ में कुछ एक नाम एड किया उन्होंने। सो दीज आर द जो कहेंगे मेन कंसर्न फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि इसी बेस पे जैसे नॉलेज इकोनॉमी आ गई है तो उसी बेस पे हम आगे बढ़ सकते हैं। हम ये कहें कि नहीं, हम तो डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज में भी बिलीव करते हैं कि हम ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन वी शुड गो विद द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड में जो हो रहा है
वी शुड बी पार्ट ऑफ दैट. जैसे एलपीजी में हुआ था तो वी विल बी लैग बिहाइंड फ्रॉम अदर्स. ठीक है जी, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रमोद मलिक जी आपका कि आपने अपना कीमती समय निकाला. और डाउट मुझे इसलिए नहीं लग रहे पार्टिसिपेंट की बिकॉज यू हैव टेकन एक्स्ट्रा टाइम एंड यू हैव कवर ऑल द एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू दिस. सो बहुत बहुत धन्यवाद फॉर दिस वंडरफुल एंड नॉलेजेबल सेशन. वी आर ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस. थैंक यू सो मच सर. विजय सर, मैं आई विल सेंड वन केस जो उन्होंने लॉर्ड शिवा की वो बनाई पिक्चर्स. आई हैव वन केस माय.